कृष्ण तप्त कांचन गौरांगी तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते दे शुभानुसुते त्वं नमामि हरि प्रिय राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम श्याम
Krishna Radhe 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 Jam Radhe Jam 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 Radhe 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 Krishna Radhe Krishna 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 Radhe 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 Jam Radhe Jam Jam Krishna, Radhe Radhe, Radhe Shyam.
हरि चाहत में जहां गेंदा गुलाब अनेक खिले, जहां गेंदा गुलाब गुलाब गुलाब, जहां गेंदा गुलाब बैठो क्यों करील की छाहन में, प्रेम कहे प्रेम को पंथ यही, प्रेम कहे प्रेम को पंथ यही, रही वो करी सूंघे सुभायन में, रही बे करी सूंधे सुभायन में, मन तो ही मिले विश्वभानु किशोरी के पायन में, विश्वभानु किशोरी के पायन में, मन तो ही मिले भानु किशोरी के पायन में, वृषभानु किशोरी के पायन में, मन तो ही मिले विश्राम यही, मन तो ही मिले विश्राम विश्वानु किशोरी के पायन में, विश्वानु किशोरी के पायन में, राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे राधे श्याम
कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण राधे जय राधे कृष्ण राधे वृषभानु दुलारी राधे हम सबकी प्यारी राधे जय राधे कृष्ण राधे जय राधे कृष्ण राधे जय राधे कृष्ण मनोहर सुंदर हरियो राधे गोविंद हरि नारायण ओ राधे गोविंद हरि नारायण ओ गोपी मनोहर सुंदर हरियो गोपी मनोहर सुंदर हरि मनोहर 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 गोपी मनोहर सुंदर हरियो गोपी मनोहर सुंदर हरियो राधे गोविंद हरि नारायण Thank you.
करत गोपिन संग रास विलासा, करत गोपिन संग रास विलासा, करत गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूरण करो अभिलाषा, सबकी पूरण करो अभिलाषा। हरि हरि बोलत मेरे हर बोल, हरि हर हरि हर हरि हर, हरि हर बोलत मेरे हर बोल, राधे गोविंद हरि नारायण हो, राधे गोविंद हरि नारायण हो, गोपी मनोहर सुंदर हरि हो, गोपी मनोहर राधे। मस्तक तिलक अलक घुंघरा रे, मस्तक तिलक अलक घुंघरा रे, मस्तक 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 तिलक अलक घुंघरा रे, कहाँ हो कनाओ बांसुरी वाले, कहाँ हो कनाओ बांसुरी वाले, लूट लो हंस के ये दिल अनमोल, लूट लो हंस के ये दिल अनमोल, राधे गोविंद हरि नारायण हो, राधे गोविंद हरि नारायण हो, गोपी मनोहर सुंदर हरि हो, गोपी मनोहर सुंदर हरि हो, राधे गोविंद हरि नारायण हो, राधे गोविंद हरि नारायण हो, गो हरि नारायण।
दिल अनमोल, लूटल हंस के दिल अनमोल। राधे गोविंद हरि नारायण हो, राधे गोविंद हरि नारायण हो, राधे गोविंद हरि नारायण हो, राधे गोविंद हरि नारायण हो। गोपी मनोहर सुंदर हरि हो, गोपी मनोहर सुंदर हरि हो, राधे गोविंद हरि नारायण 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 हो। राधे 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 गोविंद हरि नारायण हरि। हमारे मध्य में हमारे वंदनीय भूप सिंह जी विराजमान हैं, वो भी ठाकुर जी के समक्ष अपना भाव प्रस्तुत करेंगे। बहुत ही सुंदर गाते हैं, ठाकुर जी की विशेष कृपा है इनके ऊपर। मैं करीब 10 साल से देख रहा हूँ उनको गाते हुए, जो कि मंदिर में 10 साल से आ रहे हैं। ये तो कम से कम 20-25 वर्ष से यहाँ ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, और ठाकुर जी का विशेष कृपा है, और हम पर भी इनकी विशेष इनका आशीर्वाद हमारे ऊपर है। तो आइए एक पद भूप सिंह जी हमारे मध्य हैं, वो सुनाएंगे आप सबको उत्थापन का पद ठाकुर जी के चरणों में। हट जाओ बाबूजी, हट जाओ। हट जाओ बाबूजी, हट जाओ। हट जाओ बाबूजी, हट जाओ। हेलो, हट जाओ बाबूजी, हट जाओ। हट जाओ बाबूजी, हट जाओ।
हेलो गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवा महेश्वरा गुरुर्साक्षात् पारब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः नमामि यमुने नमो नमामि नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो बस वो ही भावे आगे गाए पाछेगा इत गाए उत गाए आगे गाए पाछे गाए इत गाए उत गाए गोविंद को गायन में बस वो ही भावे सुसंग गावे गायन सो सचु पावे गायन के संग धावे गायन सो सच पावे गायन सुसंग धावे गायन सो सचु पावे गायन की खुर रेणु अंग जप गावे गायन की खुले लेनु अंगल पटावे रे आगे गाए पाछे गाए इत गाए उत गाए आगे गाए पाछे गाए इत गाए उत गाए गोविंद को गायन पे बस वो ही भावे इत गाए उत गाए गोविंद को गायन में बस वो ही भावे रे आगे गाए पाछे गाए गायन के संग धावे आ
आयो बैकुंठ हूं बिसरायो गायन सो ब्रज छायो बैकुंठ हूं बिसरायो वारिया को भेष धर गायन पे आवे ग्वालिया को भेष धर ग्वालन आगे गाए पाची गाए एक गाए उठ गाए गोविंद का गायन पे बस मोई भाए आगे गाए पाछे गाए एक गाए उठ गाए गोविंद को गायन में बस वोई भावे रे आगे गाए पाछे चित स्वामी गिरधारी चित स्वामी गिरधारी बिठलेश बाबूधारी चित स्वामी गिरधारी बिठलेश बाबूधारी गायन के गीत कर गिरले उठावे गायन के गीत कर गिरले उठाए रे आगे गाए पाछे गाए एक गाए उठे गाए गोविंद को गायन में बस वही भावे रे गाए पाछे गाए इत गाए उत गाए गोविंद को गाए में बस वो ही भावे रे आगे गाए पाछे गाए मैया मोहे यादे भई गावे मैया मोहे यादे भई गावे आवत बाज गई एक गैया आवत बाज गई एक गैया जाए धसी वन भे मैया मोहे जाते भई कबे मैया मोहे जाते भई अबे जाते भई अबे मैया मोहे यादे भई अबे दौड़े ग्वाले सब बाके पाछे दौड़े ग्वाले सब बाके पाछे पाछे कर पकरन की आस मैया मोहे यादे भई अबे अरे मैया मोहे यादे भई अबे मैया मोहे यादे भई अबे मैया मोहे यादे भई अबे दौड़े आ कदम चढ़ पीतंबर फेरो
कदम चढ़े पीतंबर फेरो लाड़ तेल लगाए मैया लाड़ ते लगाए मैं पुचकार पीठ कर फेरो आई गई मो पास आ गई मैया मोहे यादे भई अवे मैया मोहे यादे भई अवे बतिया सुनते रसिक प्रीतम की बतिया सुनत सुनात रसिक प्रीतम की मन फूली बन रहा मैया मोगे यादे भई मैया मोहे याते भैया बोली श्याम सुंदर गोपी वल्लभ लाल की श्याम सुंदर श्री अमरे महारानी की जय श्री वल्लभाधीश की जय बलगराज धरण की जय हो श्याम सुंदर श्री अमने महारानी जो की जय वल्लभाधीश की श्री गोसाई जी परम दयाल की श्री जय देवलाल जी प्यारे की श्री ब्रजराज प्यारे की आप के विश्राम से पूर्व मैं आमंत्रित करूंगा स्वामी राम लखन जी आप जी का स्वागत करेंगे श्री श्री लक्ष्मी नारायण जी अग्रवाल जी एवं श्रीमती आशा अग्रवाल जी वल्लभाधीश की श्रीमती आशा अग्रवाल भौजी का स्वागत करेंगे वल्लभाधीश की श्याम सुंदर श्री अमने महारानी जो की जय श्रीमती गीता गढ़िया श्री देवेंद्र व्यास जी परम पूज्य श्री ब्रजराज महोदय श्री का स्वागत करेंगे श्रीमती गीता गढ़िया मौजी का स्वागत करेंगे वल्लभाधीश की
श्याम सुंदर जी हमने महारानी जो की श्री तिलकराज शर्मा जी आप श्री का स्वागत करें। वल्लभाधीश की श्री भूषण डिंगरा परम पूज्य श्री ब्रजेश ब्रजराज जी का स्वागत करेंगे। श्री गोपाल गोगिया श्री ब्रजराज जी का स्वागत करेंगे। गोपाल गोगिया श्रीमती पुष्पा शाह परम पूज्य श्री नमामी राजा का स्वागत करेंगे। पुष्पा शाह शीतल चौग शीतल सुख परम पूज्य श्री नमामि राजा का स्वागत करेंगे। श्रीमती चारू अरोड़ा श्रीमती चारू अरोड़ा वल्लभाधीश की श्याम सुंदर श्री अमने महारानी का स्वागत करेंगे। बेटी परम पूज्य नमामि राजा का स्वागत करेंगे। पुष्पा शाह श्रीमती हीना बहन जो लंदन से पधारी हैं भौजी का स्वागत करेंगी। श्रीमती लता डिंगरा परम पूज्य नमामि राजा का स्वागत करेंगी। क्या नाम है श्याम सुंदर श्री अमने महारानी श्री मोहित चुग लालन श्री का स्वागत करेंगे। वल्लभाधी
ये जिन्होंने जिन वैष्णो ने श्री सरोत्तम जी के नामावली में अपना नाम लिखाया था, आज आप श्री के द्वारा कमलों से उनको ये चित्र भेंट किए जाएंगे। तो सर्वप्रथम श्रीमती गीता गढ़िया जी, पल्लवादीश की श्रीमती संगीता कपूर, श्री दीपराज जोशी जी, श्री दीपराज जोशी, लोहाना महिला मंडल, लोहाना महिला मंडल, श्री पंकज शर्मा, श्रीमती अलका कालरा जी, श्री कृष्ण कुमार चुग जी, हिमा बत्रा, हिमा बत्रा, हाँ जी, आशा अग्रवाल जी, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, श्रीमती आशा अग्रवाल, श्रीमती हिना पंचोली लंदन से, और श्री हितेश पंचोली जी लंदन से, श्री सुशील सेठी जी, सुशील सेठी जी,
श्री राजकुमार व्यास जी। वैभव ढींगरा अलका कालरा जी, पंकज शर्मा जी, श्री मोहित चौक जी, श्री दीपराज जोशी जी, पुष्पा जी, श्री हरी शर्मा जी, श्री तिलकराज शर्मा जी, शिवांगी ग्रेटर नोएडा, गगन बत्रा जी, शिवांगी ग्रेटर नोएडा, मुकुल चोपड़ा जी, गोविंदी है, अलका कालरा जी, श्री दीपराज जोशी जी, जिन वैष्णव की गाड़ी गेट के आगे खड़ी है उनसे अनुरोध है कृपया गेट से हटाकर दूसरी जगह लगा दें। जिन वैष्णवों की गाड़ियाँ गेट के आगे लगी हैं उनसे अनुरोध है कृपया गेट से हटा लें। तो सूचनाएं हैं आप श्री के आगे से मैं दे रहा हूं। 1 नवंबर को पंचकुइया श्री गोदरनाथ जी मंदिर पंचकुइया रोड में आप श्री का वचनामृत होंगे और शिलान्यास का उद्घाटन होगा। 6 नवंबर से 13 नवंबर तक समय रहेगा 1 बजे पंचकुइया रोड श्री गोवर्धननाथ जी मंदिर में आप श्री क्या वचनामृत होंगे और शिलान्यास का उद्घाटन होगा। 6 नवंबर से 13 नवंबर तक आप श्री की अध्यक्षता में ब्रज यात्रा होगी जिसमें भव्य मनोरथों का भी कार्यक्रम है और विशेषकर 11 नवंबर को आप श्री के प्राकट दिवस के उपलक्ष्य में महामहोत्सव मनाया जाएगा। तो सभी वैष्णव अधिक से अधिक संख्या में जतिपुरा में
आखिरी का प्रागट्य उत्सव मनाया जाएगा, तो सभी वैष्णव अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर इस दिव्य मनोरथ के दर्शन करें और आखिरी के वचनामृत का लाभ लें। और वहाँ के लिए जो भी मनोरथी बनना चाहते हैं वो अपना संपर्क करें श्री गगन बत्रा जी से, भूषण डिंगरा जी से, दीपक गोगिया जी से। और 14 से 15 नवंबर तक 2 दिन का कार्यक्रम ग्वालियर में है। वहाँ पर 14 तारीख को नंद महोत्सव का मनोरथ है और 15 तारीख को भव्य छप्पन भोग का मनोरथ है। जो वैष्णव वहाँ भी जाना चाहें जा सकते हैं, सभी को आमंत्रण है। अब मैं सभी वैष्णव की ओर से श्री मद गोस्वामी श्री ब्रजराज जी महोदय की श्री के चरणों में नतमस्तक होकर विनती करता हूँ अपने मधुर वचनामृत द्वारा हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। डबल 3 1 4 9 9 7 8 सच्चिदानंद रूपाय शोध पत्रपत्र विनाशा श्री कृष्णा परम पूज्य श्री पितृचरण मम्मी जी 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 और सभी प्रिय वैष्णव वल्लभ साखी का रसपान का है दूसरा द्वितीय दिवस और बड़ा आनंद हो रहा है ये नव निर्माण हुआ उसकी वजह से। तो हम आज 2 साखी का आनंद लेंगे। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि साखी का अर्थ क्या है। साखी के कई अर्थ हैं लेकिन उसका एक अर्थ है कि सखी। एक एक साखी हमारी सखी बनकर श्री वल्लभ की शरण में ले जाए। मेरी भी यही इच्छा है कि वल्लभ साखी रसपान के बाद हम सभी श्री वल्लभ में हमारा और आश्रय दृढ़ हो जाए और हमें उनके धाम में स्थान मिले। जैसे ही अगर आप कोई चींटी को देखते हो, अगर चींटी को एक नदी के उस पार जाना हो तो कैसे जाएगी? वो नहीं जा सकती क्योंकि वो तैर नहीं सकती। लेकिन अगर वो उस व्यक्ति के पैर पे चढ़ जाए जो नाव पे बैठ के जाने वाला है तो आसानी से और सरलता से उस साइड जा सकती है। उसी तरह अगर हम श्री वल्लभ के चरण को पकड़ लें तो हमारी भी नैया पार हो जाएगी और हमारा भी उद्धार हो जाएगा। तो हम पहली साखी का आनंद लेते हैं। बहुत दिना भटकत फिरो कछु न आयो सा। बहुत दिना भटकत फिरो कछु न आयो भटकत फिरो कछु न आयो सा। श्री वल्लभ सुमरियो तबे पर्यो पदारथ हाथ। श्री वल्लभ पर्यो पदारथ हाथ। बहुत दिना भटकत फिरो कछु न आयो साथ। श्री वल्लभ सुमरियो तबे पड़ो पदारथ हाथ। हम इस जगत में यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं। जीव होता है वो अपनी लौकिक इच्छाओं के पीछे भागता रहता है।
कि मेरी नई गाड़ी आ जाए, नया बड़ा बंगलो हो जाए, मुझे इतने बैंक मेरे बैंक में इतने पैसे आ जाए, यहाँ वहाँ वगैरह भटकता रहता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि उसको मन को उसके मन को संतोष कैसे मिलेगा। एक राजा वो उसकी प्रजा का तो क्या ये मेरे भिक्षा का पात्र है वो आप भर सकते हो? तो राजा ने कहा लाओ अभी भर देता हूँ। तो राजा ने पहले चांदी के सिक्के रखे, वो गायब हो गए उसमें से पात्र में से। फिर कुछ मुद्राएं अलग से रखी, फिर हीरे रखे, कुछ और पैसे रखे, सब चीज़ गायब होने लगा। तो राजा ये सोचने लगा कि ऐसे कैसे हो गया, इसका रहस्य क्या है? तो राजा ने फकीर से पूछा कि आप इसका रहस्य बताइए। तो फकीर ने कहा कि ये कोई साधारण भिक्षा का पात्र नहीं है, लेकिन ये मनुष्य का मन है। जितनी भी धन दौलत इसमें डालते हैं पर उससे वो भरता नहीं है, क्योंकि मन को संतोष सिर्फ एक ही चीज़ के मिलता है, वो है शिववल्लभ। शिववल्लभ की जब हम जान लेते हैं कि शिववल्लभ भी हमारा उद्धार कर सकते हैं, तो उस मन को संतुष्टि मिलती है। श्री वल्लभ सुमरियो तभी पढ़ो पदार्थ हार्थ। श्री वल्लभ में यमुना जी हैं, गोकुल है, सब चीज़ है, ये सब पदार्थ हैं। जो श्री वल्लभ को जान लेता है उसे और किसी जानने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद दूसरी साखी में भी श्री हरिराय जी ये समझाते हैं कि श्री वल्लभ का प्रागट्य किस वजह से हुआ। बहे जात भव सिंधु में देवी सृष्टि अपार, तिनको करन उद्धार प्रभु प्रकट परम उदार। श्री वल्लभ प्रकट परम उदार। श्री हरिराय जी कारण बताते हैं कि वल्लभ ने प्रागट्य क्यों किया। इन जीवों का उद्धार करने के लिए जो भटक रहे हैं यहाँ वहाँ, जो आगे इस लौकिक संसार के सागर में आगे तरते जा रहे हैं, उनका उद्धार करने के लिए प्रकटे परम उदार श्री वल्लभ ने इसीलिए प्रागट्य किया। और आगे फिर दूसरी साखी में वही बात शेरी राय जी कहते हैं, श्री वल्लभ करुणा करी कली में लियो अवतार, महापतित उद्धार के कीनो यश विस्तार। श्री वल्लभ कीनो यश विस्तार। श्री वल्लभ ने कली में इसलिए अवतार लिया, महापतित यानी जो जीव जन्मों जन्मों से ठाकुर जी से दूर हो गए हैं, जन्मों जन्मों तक उनके ठाकुर जी का वो याद ही नहीं है कि हम उनका अंश हैं, हम ये बात भूल चुके हैं। कि एक प्रसंग मुझे याद आ रहा है कि एक शेर था, उसका बच्चा वो जंगल में उससे दूर हो गया, तो वो दूसरी साइड जंगल के दूसरी साइड जहाँ जहाँ बकरियाँ और वो सब होती हैं उनके साथ वो रहने लगा। तो कुछ महीने उनके साथ रहा तो उनके जैसा ही उसका स्वभाव हो गया, आवाज़ भी उसके जैसी हो गई। एक बार वो शेर उस साइड जा रहा था शिकार के लिए, तब उसने देखा कि ये शेर इसके ये सब बकरियों के साथ है। तो जैसे ही उसने दहाड़ा बाकी सब बकरियों भाग गई, ये भी भागने लगा कि ये मुझे मार देगा, ये मार देगा। तो शेर को ऐसा लगा कि ये तो शेर है, ये तो मेरे ही परिवार का है, तो ये क्यों भाग रहा है? तो उसने भागा, वो उस शेर के बच्चे के पीछे भागा, उसने उसको पकड़ा। फिर वो उससे पूछता है कि तू क्यों भाग रहा है? उसने बोला कि नहीं तुम मुझे मार दोगे। तो वो शेर उसको एक नदी के पास ले गया, वहाँ पे उसने दिखाया, उसने उस शेर के बच्चे को कहा कि देख तू कौन है इसमें। उसने देखा
कि उसका चेहरा तो इस शेर के साथ मिलता जुलता है। तो सामने और बकरियां थी, उनने कहा कि इसके सामने दहाड़। तो शेर का बच्चा दहाड़ नहीं पाया क्योंकि बहुत महीनों तक उनके साथ रहा था, तो वो भी मैं करने लगा। तो फिर उसने उसको ललकारा शेर ने, और उसके अंदर के शेर को बाहर निकाला और उसने दहाड़ा तो सब बकरियां भाग गई। तो वो शेर भूल गया था कि वो कौन है, वो किसका अंश है। उसी प्रकार हम भी भूल गए हैं कि हम श्री वल्लभ का अंश है। श्री वल्लभ नाम के शेर हमको आते हैं और हमें बताते हैं कि हम कौन हैं। इसीलिए कहा महापतित, तो महापतित यानी हम जो जन्मों जन्मों से महा, इसलिए कहा है क्योंकि हजारों लाखों जन्मों तक हम श्री वल्लभ से विखूट मतलब प्रभु से दूर हो गए थे, इसलिए महापतित का। उनका ही उद्धार करने कीनो यश विस्तार और पुष्टि भक्ति का प्रचार किया श्री वल्लभ ने, और इसका ये यश का विस्तार किया। करता हूँ कि आप सबका भी आश्रय दृढ़ हो और हमें वो याद आ जाए कि हम किसके अंश हैं, किससे दूर हो चुके हैं, तो हमें भी उनके धाम में स्थान मिले, उनके चरण में स्थान मिले। इतना ही कह के मेरी वाणी को विराम देता हूँ। पल्लवाधीश की, अब मैं परम पूज्य श्री गोस्वामी श्री जयदेव लाल जी महोदय श्री के चरणों में नतमस्तक होकर विनती करता हूँ अपने मधुर वचनामृत द्वारा हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा। प्रगराज धरण की श्रीवल्लभाधीश की, श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्याम सुंदर श्याम ने महरन श्री गोपाल लाल प्यारे की जय। पहले वल्लभ की एक हम धुन ले लेते हैं। श्री यमुना जी माँ वल्लभ, गिरिराज माँ वल्लभ, श्री यमुना जी माँ वल्लभ, गिरिराज मां वल्लभ, बैठक मां श्री वल्लभ, वल्लभ महाप्रभु जय श्री वल्लभ। राजी मां वल्लभ, गिरिराज मां वल्लभ, बैठक जी मां वल्लभ, वल्लभ श्री वल्लभ, श्री यमुना जी मां वल्लभ, राज मां वल्लभ, बैठक मां श्री वल्लभ, वल्लभ महाप्रभु जी श्री वल्लभ, श्री यमुना जी मां वल्लभ, गिरिराज मां वल्लभ, बैठक मां श्री वल्लभ, वल्लभ महाप्रभु जय श्री वल्लभ, श्री यमुना जी मां वल्लभ, गिरिराज मां वल्लभ, वल्लभ वल्लभ महाप्रभु जी श्री वल्लभ, श्री यमुना जी मां वल्लभ, गिरिराज मां वल्लभ, श्री भाव से बोलो, प्रेम से बोलो, ध्यान धरो श्री वल्लभ, भाव से बोलो, प्रेम से बोलो, ध्यान धरो श्री वल्लभ, भाव से बोलो, प्रेम से बोलो, ध्यान धरो श्री वल्लभ, भाव से बोलो, प्रेम से बोलो, ध्यान धरो श्री वल्लभ, श्री यमुना जी मां वल्लभ, गिरिराज मां वल्लभ,
बैठक माँ श्री वल्लभ वल्लभ महाप्रभु जी श्री वल्लभ श्री यमुना जी माँ वल्लभ गिरिराज माँ वल्लभ बैठक माँ श्री वल्लभ वल्लभ महाप्रभु जी श्री वल्लभ श्री यमुना जी माँ वल्लभ मथुरा जी माँ वल्लभ वल्लभ गोकुल जी माँ श्री वल्लभ मथुरा जी माँ वल्लभ मथुरा जी माँ वल्लभ वल्लभ गोकुल जी माँ श्री वल्लभ वृंदावन माँ वल्लभ वल्लभ वृंदावन माँ वल्लभ वल्लभ क्षतिपुरा माँ श्री वल्लभ श्री यमुना जी माँ वल्लभ गिरिराज माँ वल्लभ बैठक माँ श्री वल्लभ वल्लभ महाप्रभु जी श्री वल्लभ श्री यमुना जी माँ वल्लभ गिरिराज माँ वल्लभ बैठक माँ श्री वल्लभ वल्लभ महाप्रभु जी श्री वल्लभ श्री गौलोक माँ वल्लभ वल्लभ गौलोक माँ वल्लभ वल्लभ नित्य लीला माँ श्री वल्लभ नित्य लीला माँ श्री वल्लभ यमुना जी माँ वल्लभ गिरिराज माँ वल्लभ बैठक माँ श्री वल्लभ वल्लभ महाप्रभु जी श्री वल्लभ श्री यमुना जी माँ वल्लभ गिरिराज माँ वल्लभ बैठक माँ श्री वल्लभ वल्लभ महाप्रभु जी श्री वल्लभ श्री यमुना जी माँ वल्लभ 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 महाप्रभु जी श्री वल्लभ 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 श्री यमुना जी माँ वल्लभ गिरिराज माँ वल्लभ बैठक माँ श्री वल्लभ वल्लभ महाप्रभु जी श्री वल्लभ श्री यमुना जी माँ वल्लभ गिरिराज माँ वल्लभ बैठक माँ श्री वल्लभ वल्लभ महाप्रभु जी श्री वल्लभ श्री अष्टाक्षर माँ वल्लभ वल्लभ पंचाक्षर माँ श्री वल्लभ 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 षोडश ग्रंथ माँ वल्लभ वल्लभ षोडश ग्रंथ माँ वल्लभ वल्लभ सुबोधिनी माँ श्री वल्लभ श्री यमुना जी माँ वल्लभ गिरिराज माँ वल्लभ बैठक माँ श्री वल्लभ वल्लभ महाप्रभु जी श्री वल्लभ श्री यमुना जी माँ वल्लभ गिरिराज माँ वल्लभ बैठक माँ श्री वल्लभ वल्लभ महाप्रभु जी श्री वल्लभ श्री यमुना जी माँ वल्लभ गिरिराज माँ वल्लभ बैठक माँ श्री वल्लभ वल्लभ महाप्रभु जी श्री वल्लभ श्री यमुना जी माँ वल्लभ गिरिराज माँ वल्लभ बैठक माँ श्री वल्लभ वल्लभ महाप्रभु जी श्री वल्लभ श्री यमुना जी माँ वल्लभ गिरिराज माँ वल्लभ बैठक माँ श्री वल्लभ वल्लभ बैठक माँ श्री वल्लभ वल्लभ महाप्रभु जी श्री वल्लभ श्री यमुना जी माँ वल्लभ गिरिराज माँ वल्लभ ओ बैठक जी में वल्लभ वल्लभ महाप्रभु श्री वल्लभ यमुना जी माँ वल्लभ गिरिराज माँ वल्लभ श्री यमुना जी माँ वल्लभ गिरिराज माँ वल्लभ बैठक माँ श्री वल्लभ वल्लभ जय वल्लभ
बैठक जी में वल्लभ वल्लभ महाप्रभु जय श्री वल्लभ जय मथुरा जी माँ वल्लभ वल्लभ मथुरा जी माँ वल्लभ वल्लभ श्री गोकुल माँ श्री वल्लभ जी माँ वल्लभ वल्लभ श्री गोकुल माँ श्री वल्लभ वृंदावन माँ वल्लभ वल्लभ वृंदावन माँ वल्लभ वल्लभ जतिपुरा माँ श्री वल्लभ श्री यमुना जी माँ वल्लभ गिरिराज माँ वल्लभ बैठक माँ श्री वल्लभ वल्लभ महाप्रभु जी श्री वल्लभ श्री यमुना जी माँ वल्लभ गिरिराज माँ वल्लभ 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 महाप्रभु जय श्री वल्लभ जी यमुना जी माँ वल्लभ गिरिराज माँ वल्लभ 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 महाप्रभु जी श्री वल्लभ 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 श्री वल्लभ 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 महाप्रभु जी श्री वल्लभ 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 महाप्रभु जय श्री वल्लभ 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 महाप्रभु जी श्री वल्लभ 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 महाप्रभु जय श्री वल्लभ श्री यमुना जी माँ वल्लभ गिरिराज माँ वल्लभ श्री यमुना जी माँ वल्लभ गिरिराज माँ वल्लभ बैठक माँ श्री वल्लभ वल्लभ महाप्रभु जी श्री वल्लभ वल्लभ गिरिराज माँ वल्लभ श्री वल्लभाधीश की जय हो निस्साधन जनोद्धार कर्ण प्रकटीकृत गोकुलेश स्वरूप श्री वल्लभ शरणम हम चिरंजी व्रजराज बाबा एवं वल्लभी सृष्टि के भाविक वैष्णवजनों श्री गोपी वल्लभ धाम के इस उद्घाटन कार्यक्रम में बधाई देने आए हुए सभी भाविक वैष्णवजनों बड़े आनंद का अवसर कि कल से इस कलात्मक हवेली का प्रारंभ अपने कर दिया और कई वैष्णव ने इस सुंदर स्वरूप को देख करके इतने प्रशंसा भी करी। ऐसा नहीं कि केवल दिल्ली के ही वैष्णव प्रसन्न हो रहे, लेकिन जहां जहां दूर दूर बैठे हुए वैष्णव ने इसके दर्शन किए सभी बड़े प्रसन्न हो गए कि बहुत सुंदर हवेली का निर्माण हुआ, कि ऐसी सुंदर हवेली हमने नहीं देखी। कई लोगों ने देखा था, क्योंकि एक भाव जब हमारा होता है तब उसकी सुंदरता और अधिक हो जाती है। जैसे आप मान लो कि कोई ठाकुर जी को सामग्री बना के धरी हो, लेकिन उसमें आपका प्रेम मिश्रित है, आपका भाव मिश्रित है, तो ठाकुर जी को वो ज्यादा मधुर लगती है। ये एक मिठास होती है। जैसे मान लो कि कोई आपने रसोईया घर में रख लिया, उसने रोटी बनाई और एक तरफ देखो कि माँ के हाथ की रोटी आपने खाई है, तो माँ के हाथ में एक वात्सल्य होता है, एक भावना होती, एक श्रद्धा होती है, और वो विचार जिन विचारों से वो बनाया जाता है ना, वो असर करता है आपके मन पर, जैसा अन्न वैसा मन। तो यहाँ भी वही वाली बात है कि बड़े श्रद्धा से प्रेम से इसको सजाया गया है और इसके लिए विशेष प्रयोजन भी करे गए थे कि इसकी डिजाइन कैसी हो, इसका आकार रूप रंग कैसा हो, इसका कलर कैसा हो, एक एक बारीक से बारीक, आप देखोगे कई बारीक बारीक कारीगरियां हैं, तो उसके लिए भी सुंदर लोगों ने मेहनत भी करी है। उसमें भी हमारे तिलक जी, उन्होंने बहुत ही इसमें मेहनत करी है, खूब सेवा समर्पित होकर के सेवा करी।
उदयपुर भी जाकर के आए, सब पसंद करके आए और रात दिन खड़े पांव लगातार निरीक्षण किया कि निर्माण बराबर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और इतनी सुंदरता से ध्यान दिया कि कहीं भी कोई कमी ना रहे। हम दो चीज के तो ये चार चीज और अधिक सुंदरता कैसे लाई जाए उसके बारे में सोचते, बड़े दिल से श्रद्धा से समर्पण द्वारा उन्होंने खड़े रह करके कलात्मकता का निर्माण करवाया, तो बहुत ही आनंद की बात है कि सुंदर धाम का निर्माण तभी हो पाता। देखो ठाकुर जी जब किसी को चुनते हैं ना तभी ये बात बनती है, हमारे सोचने से भी ये काम नहीं होता। सोचते तो कई लोग हैं कि हमें सेवा करनी है, हमें ये करना है, लेकिन पहुंच नहीं पाते। लेकिन जो ठाकुर जी के दरबार में पहुंच जाता है और जो सेवा कर पाता है, मान लेना ठाकुर जी ने उसे पसंद किया है कि आ जाओ मेरी सेवा कर लो, तो बहुत ही सुंदर इसमें समर्पण किया। और एक एक बारीकी से उन्होंने समय भी निकाला, बस इनके मन में वही लगन थी जैसे आपने वल्लभ साखी में भी सुन लिया सर्वोत्तम जी के, गुरु के लिए का भाव, गुरु की आज्ञा का पालन, कि गुरु की सेवा कैसे की जाए, उनका सपना साकार करना है, बस इनके मन में वही लगन थी कि वल्लभ वल्लभ ही चल रहा था। यहाँ तो हमने सुन लिया कि यमुना जी माँ वल्लभ गिरिराज में वल्लभ, पर इनके मन में भी वल्लभ थे और इनके सपने में भी वल्लभ थे, हर जगह वल्लभ दिखाई दी तभी तो ये निर्माण कर पाए। ऐसी दृढ़ता ऐसी लगन जब हमारे दिल में जग जाती है तभी ये सेवा काम आता है। खुराना जी ने भी कभी इतनी सुंदर मेहनत करी, शुरुआत उन्होंने करवाई आचार्य कक्ष से, काफी श्रम लिया उन्होंने, आखिर तक भी उन्होंने लगे रहे। तो ऐसे कई जीव हैं कि जिन्होंने विशेष समर्पण किया, और हमारे अग्रवाल जी परिवार लक्ष्मी नारायण जी आसा जी, इनका भी काफी समर्पण है, क्योंकि जब तक उत्सव नहीं मने, जब तक लोगों में उत्साह नहीं आवे, लोग जुड़े नहीं, तब तक वो आगे का चर्चा भी कैसे हो, ये निर्माण भी शुरू कैसे हो। तो हर उत्सव इन्होंने करवाया और इस निर्माण तक हम पहुंच पाए, क्योंकि उत्सव होना जरूरी है, पुष्टि मार्ग तो उत्सवों का ही मार्ग है। तो बड़ी सुंदर सेवा है इनकी, और भी कई इनकी सेवाएं हैं जो बताते नहीं लेकिन करते रहते हैं, तो यही भाव है। और ये इन तीनों का समर्पण विशेष समर्पण है, ये त्रिवेणी संगम हुआ ना तभी ये धाम बन गया है तीर्थ जैसा। तो जरूरी है, देखो महाप्रभु जी के भी 84 विष्णु थे, लेकिन दो तीन तो बड़े खास कृपा पात्र, हरसानी जी, कृष्णदास मेघन जिसे कई सेवा में रहते थे, माधव भट्ट कश्मीरी, तो उनके द्वारा कई कार्य होते। महाप्रभु जी जैसे आज्ञा करते हैं कोई ग्रंथ लिखना है तो महाप्रभु जी आज्ञा करते और माधव भट्ट कश्मीरी लिखने लगते, तो उनकी सेवा थी। और हरसानी जी तो बिल्कुल एक परछाई की तरह महाप्रभु के साथ रहते, और कृष्णदास मेघन वो तो बिल्कुल जैसे महाप्रभु के राम की सेवा में हनुमान जी जैसे रहते, इस प्रकार से महाप्रभु की सेवा में कृष्णदास मेघन रहते, असंभव को भी संभव कर देते। वल्लभ आज्ञा में इतना विश्वास था कि जब व्यास जी से मिलने के लिए महाप्रभु जी पधारे व्यास आश्रम, क्योंकि व्यास से भी अमर है वो आज भी मौजूद है, तो भागवत जी की चर्चा के लिए महाप्रभु जी पधारे, कई पाठांतर भेज थे और कई उसमें परिवर्तन भी करना था, तो व्यास जी से मिलने के लिए पधारे व्यास गुफा में, और कृष्णदास मेघन को कहा कि तुम यहीं खड़े रहना, और युगल गीत का
चर्चा में 3 दिन व्यतीत हो गए। महाप्रभु जी और व्यास जी की अलौकिक चर्चा हुई और कृष्णदास मगन वहीं के वहीं खड़े थे, हिले नहीं। महाप्रभु जी ने आकर के देखा, अरे कृष्णदास तुम तो यहीं के यहीं खड़े हो, 3 दिन व्यतीत हो गए, तुम गए कि वल्लभ आपने आज्ञा करी थी कि यहीं खड़े रहना, मैं त्यां से हिला भी नहीं। तो वो भी एक सामर्थ्य आ जाता है। गुरु की सेवा जब हम करते हैं, आज्ञा का पालन करते हैं, तो हमारे अंदर में कुछ विशेष अलौकिक सामर्थ्य आ जाता है कार्य सिद्ध करने का। कृष्णदास मगन वही बड़ी शिला गिर के आई बद्री केदार में और एक ही आश्रय रोक दिया। आज भी हम बद्री केदार बैठक जी करने जाते हैं ना, तो वो शिला आज भी वहां पे पड़ी हुई, कितनी विशाल का शिला है। उनके अंदर में ऐसा सामर्थ्य आ जाता है कि जब वो सेवा में रहते हैं ना, तो जो ज्यादा सेवा में रहता है ना, तो उसको बोलना भी नहीं पड़ता कि तुम्हारी ये सेवा कर, वो गुरु के मन के विचारों को भी जान लेता है कि गुरु के मन में ये विचार है और मेरी ये सेवा करनी है। तो गंगा सागर में जब वल्लभ के मन में विचार आते रहे रात्रि के समय में कि मेरे मुरमुरा आरोग्य, और वो जान गए चरण सेवा कर रहे थे, जान गए कि वल्लभ की इच्छा हुई है, तो वहीं सिराने पे तकिया रख करके, और वो तो छलांग लगा दिया। देखो गंगा सागर जो गया होगा उसको मालूम होगा, रात्रि के समय में समुन्द्र में छलांग लगा दी श्री वल्लभ आदि इसकी जय करके, वल्लभ पे विश्वास, सागर को पार उतर गए। और आधी रात को किसान को बुलाया, कटवाया, उसको पकवाया, सब कुछ कार्य करवाया और लौट के वापिस फिर सर चरण सेवा करने लगे। वल्लभ की निंद्रा खुली और वल्लभ ने ये बात कही कि ऐसी मेरी इच्छा है तो कृपानाथ या आज्ञा करो, ये हाजिर है आपकी सेवा में। तो क्या उसकी सेवा है, क्या लगन है गुरु सेवा में, ये लगन होती है ना तभी उसके ऊपर प्रसन्नता होती है। देखो हम लोग अलग से आशीर्वाद तो मांग लेते हैं साधारण जीव के, जी जी आशीर्वाद दे दो वो दे दो, लेकिन हमारे ऐसे कार्य होते हैं ना तो वो जो प्रसन्नता से आशीर्वाद मिलते हैं वो विशेष आशीर्वाद होते हैं। महाप्रभु जी बड़े प्रसन्न होते कृष्णदास मगन को बार बार आज्ञा करें कि तू कुछ मांग ले मांग ले, ये उनकी प्रसन्नता थी। महाप्रभु जी कैसी लगन से जब गुरु की सेवा करी जाती है तो वो अंतःकरण से जो आशीर्वाद मिलते हैं ना तो जीवन सफल हो जाता है, उसको निश्चित रूप में कल्याण हो जाता है। तो वो लगन हमारे अंदर में लगने चाहिए। जेना पर वाल ब्रजपति नावे ता मुख पर श्री वल्लभ नाम कहावे। देखो वल्लभ नाम जिसके मुख पर आ गया है ना, मान लेना हमारे ठाकुर जी की कृपा हुई। दयाराम भाई ने पद लिखा कि जिसके मुख पर वल्लभ का नाम आया, मान लेना ठाकुर जी प्रसन्न हुए। क्योंकि वल्लभ नाम हरे के मुख पर जीव के नहीं आ पाता, जिसके ऊपर ठाकुर जी की कृपा होती, यमुना जी की कृपा होती, उसके मुख पे ही वल्लभ का नाम आ सकता है। क्योंकि ये साधारण जीवों का काम नहीं, ये वल्लभ के पास पहुंचना बड़े भाग्यशाली होते हैं ना वही पहुंच पाते हैं, नहीं तो प्रवाही सृष्टि होती है, आए दर्शन किया और निकल गए। पर वो कुछ खास होते हैं कि जो वल्लभ के पास होते हैं, क्योंकि वल्लभ के पास होना वो कोई छोटी बात नहीं है, वो कुछ खास होते हैं। इसलिए तो गोकुलनाथ जी से एक बार वैष्णव ने पूछ लिया कृपानाथ कि यहाँ तो दर्शन में तो बड़ी भीड़ है और आपकी सेवा में बड़े कम लोग क्यों बैठे हैं। गोकुलनाथ जी ने वही आज्ञा करी कि जो हमारे जीव है ना वही हमारे पास पहुंच पाते हैं, बाकी जीव ऐसे ही निकल जाते हैं। तो आप भी वल्लभ के करीब आते हो, वल्लभ की सेवा चाहते हो, तो आप भी कुछ कृपा पात्र ही हो, कुछ इस जन्म में कुछ लीला में कहीं ना कहीं वो सत्कार्यों का पुण्य आपके पास बोल रहा है। कुछ ऐसी सेवा करी तभी अच्छे विचार आते, नहीं तो इस कलिकाल में अच्छे विचार भी लोगों को कहां आते। इसलिए शास्त्र भी कहता है शुभस्य शीघ्रम। देखो मनुष्य को अच्छे विचार कम आते और बुरे विचार ज्यादा आते। अभी देखने जाए ना तो आम आदमियों को नेगेटिव विचार ज्यादा आते हैं, अरे ये करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वो करेंगे तो वैसा हो जाएगा, वो हमेशा नेगेटिव सोचते रहते। लेकिन वल्लभ का दास होता है ना तो बस आप आज्ञा कर दो सारे कार्य बन जाएंगे।
ये एक आत्मविश्वास वल्लभ ही को भारी भरोसा, तो उसको दृढ़ता हो जाती कि नहीं बस वल्लभ के आशीर्वाद मिल गए तो कोई भी कार्य असंभव नहीं, सारे कार्य बन जाएंगे। वो वल्लभ के कृपाबल ऊपर जिसको विश्वास है, अभी देखो अभी का ही उदाहरण देखो, ये बैठे हुए लंडन से आए हुए हिना जी बैठे हुए हैं, अभी इन्हें इनकी इच्छा हो रही थी कि आना है, दिल्ली का भी उत्सव का लाभ लेना है और ब्रज यात्रा का भी लाभ लेना है, बड़ा भाव था मनोरथ था, लेकिन अभी कोविड की ऐसी सिचुएशन थी कि यूके लंडन में भी थोड़ा दिक्कत थी और कई ऐसे रिस्ट्रिक्शन थे कि भाई क्वारंटाइन होना पड़ेगा, काफी कुछ स्ट्रिक्ट कानून थे, लेकिन कई लोगों ने भी इनको समझाया, पर इनको वल्लभ में बड़ा भाव था कि भाई मेरे तो आधार है श्री वल्लभ के चरण, कि वल्लभ कृपा से वल्लभ नाम लेकर के मैं तो निकल जाऊंगा। इन्होंने टिकट भी करवा लिया। अब देखो कृपा क्या होती है, अभी का ही उदाहरण है कि जिस दिन टिकट करवा ली उस दूसरे दिन से समाचार आया कि अब क्वारंटाइन भी हट गया, आरटीपीसीआर भी हट गया, सब कुछ नॉर्मल हो गया, सब कुछ कृपा हो गई, सारे मार्ग प्रशस्त हो गए। एंड टाइम में टिकट करवाई तो भी बहुत बढ़िया सीट मिल गई और सब कुछ, और बिफोर फ्लाइट टाइम से आ गई, सब कुछ मार्ग, मतलब कहने का आश्रय ये कि हम वल्लभ नाम के लिए निकल पड़ते हैं ना तो सब कुछ अनुकूल हो जाता है, लेकिन हम ये सोचने बैठ जाए कि सब कुछ अनुकूल हो जाए फिर हम सेवा करेंगे तो अवसर नहीं आएगा। लेकिन वल्लभ का मार्ग ऐसा है ना कि वल्लभ नो मार्ग छे सुरानो नहीं कायर नो प्राण जो ने प्रथम पहला मस्तक मुखी बढ़ती ले उड़ा, ये सुराओं का मार्ग। भागवत जी भी कहती है ना कि धावन्य मिल्यवाने तेरे नखले न पते स्थिह, ये शास्त्र भी कहते हैं कि तुम भक्ति के इस राजमार्ग में आंखें बंद करके भी कूद पड़ो, तुम्हारा उत्थान निश्चित रूप में होगा, पता नहीं होगा कि किस मार्ग पे चल पड़े हो, किसके मिलन के लिए चल पड़े हो। हमारा सामर्थ्य हम नहीं सोचे, हम भगवान का सामर्थ्य, हम श्री महाप्रभु जी का सामर्थ्य सोचे तो कभी हमारे मन में नेगेटिव विचार नहीं आएंगे। आज समाज में भी आवश्यकता है सकारात्मक सोच की, कि हम सकारात्मक सोच रखते हैं तो हमें लौकिक में भी फायदा होगा और अलौकिक में भी फायदा होगा। लेकिन पहले से ही कई लोग ऐसे डरे हुए होते हैं कि पहले से नेगेटिव सोच रख देते हैं, मतलब पहले से हथियार डाल दोगे तो तुम क्या लड़ोगे, वल्लभ पे श्रद्धा रखोगे तो तुम्हारा कल्याण निश्चित है। इसलिए हमेशा सकारात्मक अभिगम, सकारात्मक सोच होनी चाहिए, प्रभु करे सो भले करे। देखो हमारे स्वामी जी आज 100वां साल इनको लगने की तैयारी है, शायद एक महीने के बाद ही जनवरी में ही लगेगा, तो भी बहुत आनंद की बात है कि ये भी एक वल्लभ कृपा है, ठाकुर जी कृपा है तभी ये कर पा रहे हैं 100 साल में आज ऐसे एक्टिव होना, इतने हजारों लोगों को इन्होंने अच्छा स्वास्थ्य कर दिया और ठाकुर जी में इतना भाव है, तो ये भी एक सुंदर बात है कि मनुष्य जो 50-60 साल में आते हैं कई बार डर जाते हैं कि भाई मेरा तो रिटायरमेंट हो गया है, अब मेरे जीवन में कुछ बचा नहीं, ऐसी सोच लेके बैठ जाते हैं। वो सारे सोच वाले स्वामी जी को देखें तो लगे कि मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ 60 साल वाले की, यूँ लगेगा कि कुछ भी नहीं, अभी तो आधे आए हो, अभी तो हमें सेंचुरी लगानी है, 100 साल से भी आगे निकलना है। तो ये भी एक प्रेरणा लेने जैसा है कि जिनको ठाकुर जी में विश्वास है उनके सारे कार्य बन जाते हैं। तो सर्वोत्तम जी भी अपना सुंदर सत्संग कल हमने प्रारंभ किया, हमने प्रथम श्लोक का अवगाहन किया था और उसकी चर्चा भी ली थी हमने, प्राकृत धर्मानाश्रय मप प्राकृत निखिल धर्म रूप विधि निगम प्रतिपाद्यम यद शुद्धम साकृति स्तोमि, इसके ऊपर हमने कुछ चर्चा विचारणा भी करी थी कि शिवल्लभ का स्वरूप कैसा दिव्य स्वरूप है, साक्षात भगवत स्वरूप है। तो आज हम उससे आगे के श्लोकों पे चर्चा लेंगे तो ताकि कुछ और भी वैष्णव को अधिक जानने मिले। कली कालत मच्छन्न दृष्टित्वा विदुषामपि संप्रस्त विशेषतस्य महात्मयम् समभूद्भुवि। कली कालत मच्छन्न, इस कलिकाल में
अगर आपका कल्याण करना है तो वल्लभ नाम का ही आश्रय करना पड़ेगा। जिसे वल्लभ साखी में भी हरिराय जी कहते हैं, कलयुग ने सब धर्म के, कलयुग ने सब धर्म के द्वारे रो के आ, वल्लभ खिड़की प्रेम की निकस जाए सोई जाए, श्री वल्लभ निकस जाए सोई जाए। कलयुग ने सब धर्म के द्वारे रोके आए, वल्लभ खिड़की प्रेम की, वल्लभ खिड़की प्रेम की निकस जाए सोई जाए, श्री वल्लभ निकस जाए सोई जाए। कलिकाल के अंदर में जब सब वातावरण दुष्कर हो गया, तब केवल वल्लभ नाम का एक आधार बचा कि निकस जाए सोई जाए, क्योंकि यहां भगवत प्राप्ति के मार्ग बंद होते जा रहे हैं। जिसे ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग शास्त्रों ने दिखाया कि आज के समय में वो सब दुष्कर होता जा रहा है कलयुग में, तो हमें श्री वल्लभ नाम का आश्रय बचा है कि वल्लभ खिड़की प्रेम की निकस जाए सो जाए। एक वल्लभ नाम का आश्रय बचा है कलयुग में कि जिसके मुख पर वल्लभ नाम आ गया वो कलिकाल में निकल सकता है, क्योंकि ठाकुर जी भी जिनके बस है, यमुना जी भी जिनके बस है, ऐसा स्वरूप श्री वल्लभ का। तो इस घोर कलिकाल के वातावरण में कि जहां अनेक प्रकार के मत मतांतर चल रहे हैं, अलग अलग प्रकार का वातावरण चल रहा है, यहाँ प्रवाही सृष्टि बढ़ने लग गई है। देखो तो महाप्रभु जी ने ग्रंथ लिखा है पुष्टि प्रवाह और मर्यादा, तो प्रवाही सृष्टि अधिक होने से, क्योंकि वो प्रवाही सृष्टि ऐसी होती है ना कि हर रोज जैसे उन्होंने बांटा हुआ होता है कि सोमवार को इस जगह जाएंगे और दर्शन करेंगे, मंगलवार को यहाँ पे दर्शन करेंगे, बुधवार को वहाँ पे दर्शन करेंगे, गुरुवार को वहाँ पे दर्शन करेंगे, शुक्रवार को कहीं और दर्शन करेंगे, शनिवार को कहीं और जाएंगे और संडे को कहीं और जाएंगे। तो मतलब एक प्रवाही सृष्टि हो गई, कोई आश्रय नहीं है कि कोई स्थान निश्चित नहीं है, उसको चर्षणी जीव कहा गया पुष्टि प्रवाह ग्रंथ में, कि जैसे एक कड़छी होती है वो कड़ी में भी चलती है, दाल में भी चलती है, खीर में भी चलती है, तो उसका कोई एक निश्चित स्थान नहीं होता, तो प्रवाह में फिक जाता है कि उसका उद्धार करेगा तो करेगा कौन, क्योंकि एक शरण नहीं है। अब उसका अंत समय आएगा तो कौन जवाबदारी लेगा कि किसका जीव, कोई निश्चित नहीं होगा इसका कल्याण कौन। हम एक का आश्रय करते हैं तो उनकी जिम्मेदारी हो जाती कि उनकी शरणागत गए हैं तो वो हमारा कल्याण करेंगे, लेकिन हम सभी जगह भटकते फिरेंगे तो फिर आश्रय निश्चित नहीं होगा कि इसका कल्याण की जिम्मेदारी किसकी, तो वो स्थान निश्चित नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें एक आश्रय करना है, एक वर्यो श्री गोपी जन वल्लभ, मेरे तो गिरधर में दूसरों न कोई। एक आश्रय जब हम कर लेते हैं तो निश्चित रूप में वो
हो जाता है कि इसका कल्याण ये ही प्रभु करेंगे। ये सभी लालन ने बताया, बहुत दिना भटकत फिरो, बहुत दिना भटकत फिरो, कछुन आयो हा, बहुत दिना भटकत फिरो, कछुन आयो हा, श्री वल्लभ परोपदारथ हाथ, ओ हो 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 हो, बहुत दिना भटकत फिरो, कछु ना आयो फिरेंगे तो हमारा कोई आश्रय नहीं रहेगा। और हमारे जो वल्लभ के सेवक थे ना, वो एक आश्रय लेकर के बैठ जाते। एक बार तो किसी ने ये कह दिया, उसके वो काम करता था और उसका मालिक था किसी और देव का आश्रय करने वाला। उसने कहा कि तू हमारे देव का तिलक क्यों नहीं करता है, तुम्हारे देव का ही तिलक करके क्यों आता है। अब उसने ऐसा फरमान करा कि देख, तू कल से तिलक करके आना और हमारे देव का तिलक करना, तो ही तू यहाँ पे काम करने आना। अब दूसरा दिन हुआ, वो वैष्णव पहुंच गया और वहां पर उसने पूछा, करे तू वापस से वही वैष्णव का तिलक करके आया है, मैंने तुझे कहा था ना कि यहाँ पे काम करना हो तो हमारे देव का तिलक करके आना। तो उसने अपना पेट दिखाया कि देखो मैं तुम्हारे यहाँ काम करता हूँ इस पेट के लिए, तो मैंने तुम्हारा तिलक किया इस पेट के ऊपर, लेकिन मैंने मेरा मस्तक सौंप दिया है श्री गोवर्धन नाथ जी को ठेठ के लिए, मैं तो मेरे मस्तक पर श्री गोवर्धन नाथ जी का ही तिलक करूंगा, मैं इधर उधर नहीं भटकूंगा, मैंने तो एक बार पकड़ लिया है श्री गोवर्धन प्रभु को, श्री वल्लभ को, अब मैं कहीं नहीं भटकूंगा, मेरे आश्रय तो श्री कृष्ण है, श्री वल्लभ है। अनेक जीवों के प्रसन्न आते हैं कि जो दृढ़ता से शिव वल्लभ का स्मरण करते हैं तो देवी देवता भी प्रसन्न होते हैं। एक राजा के यहाँ जब कोई वैष्णव काम करने जाता, वो देवी का उपासक था, और राजा ने वैष्णव का आज्ञा करी कि तू हमारे देवी की उपासना कर। वैष्णव ने समझाया कि आप एक बार मेरे यहाँ पधारो, देखो कि ठाकुर जी का स्वरूप क्या होता है और आपकी देवी क्या करती है, यहाँ पे वो भी यहाँ आती है दर्शन के लिए। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, करे मेरी देवी, इनकी मैं पूजा करता हूँ, वहां पे कैसे जाती है। राजा गया और देखा बहुत सुंदर ठाकुर जी का स्वरूप, इतना सुंदर, राजा भी मोहित हो गया। और उसने दिखाया कि देखो आपकी देवी यहाँ पे क्या सेवा करे, देखा तो कुएं में से वो देवी जल निकल रही, जल भरने की सेवा, तो वो देवी लगी हुई थी। और खुद देवी ने कहा कि इनकी सेवा की याचना तो मैं करती हूँ, इनकी सेवा, इनकी शरण तुझे मिली तू तो सौभाग्यशाली। तब राजा को भी पता चला, करे मैं भी वैष्णव क्यों ना हो जाऊं। ऐसे अनेक प्रसंग अपने चाचा हरिवंशी का भी आता है कि बाहर रात्रि को सो गए किसी के घर का, वो देवी का उपासक था और वहीं सो रहे थे, देवी ने पूरी राज जग के वैष्णव के पंखे की सेवा करी कि मुझे आज वैष्णव की सेवा मिल गई। और एक वैष्णव का ऐसा प्रण था कि मेरे घर में जो कुछ भी आवे ना वैष्णव, उसको मैं महाप्रसाद ले हुआ हूँ, उसका ऐसा मनोरथ, उसको उसके बिना अच्छा नहीं लगता था कि किसी को मैं ऐसे वापस नहीं भेजूंगा। तो एक बार का समय था, बारिश अचानक आ गई, कई बार अचानक से बारिश हो जाती है और लोग उसके अटेरे हुए थे,
और सोचा कि इनको मां प्रसाद लिवाऊं। उस वैष्णव स्त्री ने अपने पति को कहा कि जाओ लकड़ियां लेकर जाओ। उस जमाने में यही व्यवस्था थी, लकड़ियां काटते थे, चूल्हा जलाते थे, सूखी लकड़ियां लेकर जाते थे। लेकिन उसके पति ने कहा कि बाहर तो बारिश हुई है, लकड़ियां भी गीली होंगी, कैसे करूंगा। उसने हट करके जाओ कैसे भी लाओ, हमारे वैष्णव को सामग्री लिवानी है, मनोरथ है। तो आदमी गया बाहर, इधर उधर डोलता रहा और बारिश तेज हो गई, बड़ी तूफान, बिजली चमकने लग गई, एकदम हवाएं चलने लगी, आंधियां चलने लग गई। तो वहां छिपने के लिए एक जगह दिखी, वो देवी का मंदिर था। वहां पे खड़ा हो गया कि थोड़ी देर अभी तूफान शांत हो जाए, बारिश रुक जाए तो मैं कुछ काम करूंगा। तो वहां पे वो खड़ा था, स्मरण श्री वल्लभ का चालू था, श्री वल्लभ श्री वल्लभ। और देवी प्रसन्न हो गई, अंदर बैठी हुई, रात्रि का समय था, वो मर्यादा के मंदिर के भी किमाड़ बनते। और देवी बड़ी प्रसन्न हो गई। देवी उसके पास आकर कहती है कि वैष्णव क्या मनोरथ है तेरा, तू वल्लभ का सेवक, आज तू मेरे आंगन में आया, बता क्या मनोरथ है। कहा कि ऐसे हमारे यहाँ वैष्णव आए हैं, सामग्री सिद्ध करनी है, भोग धरना है, प्रसाद लिवाना है, हम तो सब करेंगे ही कर्म। तो देवी ने भी कहा कि देख बाहर तो सारी लकड़ियां गीली हो गई है, एक काम कर, तू मेरे मंदिर का जो दरवाजा है उससे काट करके ले जा और तेरा मनोरथ सिद्ध कर, मेरी प्रसन्नता होगी। अब उसके यहां वो लेकर के जाता है और सुंदर सामग्री सिद्ध हो रही। अब देखो कई बार अगल बगल वालों को दिक्कत हो जाती है, किसी का मकान बड़ा सुंदर बन रहा हो, किसी का कुछ हो रहा हो, तो अड़ोसी पड़ोसी को भी कुछ असर हो जाती कई बार। कई ऐसा स्वभाव होता है कई लोगों को पड़ोसी कि कई बार कुछ कलर भी करवाया होता है ना, तो वो बैठे बैठे चिंतन करते कि ऐसा कलर क्यों कराया होगा, वैसा कलर क्यों कराया होगा। कोई अलग कलर की गाड़ी ली होती कि ऐसा कलर वैसा कलर लेता तो अच्छा रहता। तो यहां भी पड़ोसी को दिक्कत हो गई और पड़ोसी ने सोचा कि भाई ये सामग्री सिद्ध कैसे कर रहे हैं, इतना बढ़िया सुगंध खुशबू आ रही है, चूल्हा जल रहा है और अपने यहाँ तो लकड़ियां आज नहीं आई है, कुछ सामग्री सिद्ध नहीं हो रही है। उसको बड़ा ईर्ष्या होने लगी, क्या बात है, ये तो बारिश में भी आनंद कर रहे हैं, क्या सुंदर पकवान बन रहे हैं। उसको ईर्ष्या हो गई पड़ोसी को, तो उसने अपने पति को कहा कि देख इसका बाजू वाले का पति तो लकड़ियां लेकर के आए, तू भी जा और लेकर के आ, कुछ भी कर तो ही तुझे रोटी दूंगी, नहीं तो जा जैसे सो जाना। अब उसका पति भी भूख लग रही थी, सोचा कि भाई कुछ तो करना पड़ेगा, वो भी निकल पड़ा मैदान में। उससे कुछ चर्चा करे कि भाई तुझे लकड़ियां कहां से मिल गई। वो वैष्णव बड़े भोले होते हैं, देखो अपने वैष्णव है ना, बड़े भोले होते हैं। उसने सारी बात बता दी कि मैं ऐसे में गया था, देवी के वहां से दरवाजा लेकर के आया हूँ। और अच्छा ये बात है, उसको तरीका मिल गया कहाँ से लकड़ी आती है, वो भी पहुंच गया और देवी का मंदिर था। अब देखो हर एक के लिए कृपा थोड़ी होती, देखो जीव जैसा होता है ना वैसी कृपा होती। अब वो वैष्णव था, वो अलौकिक परमार्थ के लिए आया हुआ था, लेकिन ये तो स्वार्थ के लिए आया। वो तो ठाकुर जी वैष्णव की सेवा की भावना से, ये तो खुद अपने खाने की लालसा से आया था। तो यहाँ पर चाहे वो दरवाजा पकड़ने जाता है कि ये अच्छा आइडिया, ये दरवाजा तोड़ो लेके चले जाओ। अब वो हरेक के लिए वो आइडिया नहीं होता है, कुछ ही लोगों के लिए होता है जिन पे कृपा होती है। अब वो उसने भी दरवाजा पकड़ लिया, लेकिन ये तो सब अलौकिक होता है। देखो मंदिर ऐसी जगह होती है, वो सारी चीजें अलौकिक होती है, चाहे हम जाने के नहीं जाने, उसका द्वार भी अलौकिक होता है, उसके खंभे भी अलौकिक होते हैं, उसके हर चीज जो है ना वो अलौकिक होती है, तभी तो वो धाम कहलाता है। हमें भले एक स्थूल रूप में दिखाई देता है, लेकिन ये जो मंदिर होता है अलौकिक होता है, इसका कोना कोना दिव्य होता है। तो दरवाजे को जैसे उसने छुआ तो भी अलौकिक था, वही चिपक गए, छूट नहीं पा रहा था, चिल्लाने लगा छोड़ो छोड़ो मुझे कोई बचाओ बचाओ, नहीं छोड़ पा रहा, एकदम बिल्कुल चिपक गया दरवाजे से। क्योंकि देवी नाराज हुई थी कि भाई हरे के लिए थोड़ी क्या आया, मेरा दरवाजा काटा लेके चला गया, ये तो मैंने कृपा करी थी, हरे के लिए नहीं है ये चीज।
ऐसे थोड़ी कि हर कोई कुछ भी उठा करके ले जाए, ये सब अलौकिक होता है। क्योंकि प्रभु तो देख रहे हैं, कोई अगर यूं सोचे मैं ये चीज उठा के ले गया, मैं वो चीज ले गया, पर भगवान तो देख रहे हैं ना। उस व्यक्ति को ये पता नहीं होता है ले जाने वाले को कि भगवान तो देख रहे हैं ना। मैं दो लोगों से तो बच सकता हूं, पर मैं भगवान से कैसे बच सकता हूं? पर भगवान की वस्तु वो आज नहीं तो कल वो लौट के आएगी। जिसे एक बार गुसाई जी का प्रसंग आता है ना, कि एक बार हवेली में चोर आ गया और चुराने लग गया, सारे सामान उसने उठा लिया, पोटले बांध लिए, सारा सामान लेकर के जाने लग गया। और किसी ने गुसाई जी को कह दिया कि देखो यहाँ पे तो चोर आया है और चुरा करके जा रहा है। गुसाई जी ने कुछ भी नहीं कहा और गुसाई जी ने कहा कि कोई बात नहीं जाने दो। सबको आश्चर्य हुआ कि आप इसको क्यों जाने दे रहे। गुसाई जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि हमारी वस्तु है ना, वो तो लौट के हमारे पास आई, क्योंकि ये अलौकिक है। इस धाम की हर वस्तु अलौकिक है। चाहे वो जीव अज्ञानी था, उसको मालूम नहीं था, लेकिन भगवान को तो मालूम था ना। तो ऐसा ही हुआ, उसके मन में परिवर्तन आया कि अरे मैंने तो भगवान का नुकसान किया। वो वापस लौट कर आया, उसने सारा सामान वापस लौटा दिया, यहां तक खुद भी समर्पित हो गया, ब्रह्म समन ले लिया। और गोसाई जी ने आज्ञा करे कि देख कि तू अब ये काम छोड़ दे चोरी चकारी का। उसने कहा कृपानाथ अब मेरा स्वभाव पड़ गया। देखो कई लोगों की ऐसी आदत होती है ना, वो कहा जाता है ना कि चोर चोरी से जाए लेकिन हेरा फेरे से ना जाए। तो उसने कहा कि भाई मेरी तो आदत बन चुकी है। गोसाई ने कहा कि ये अच्छी आदत नहीं है, तो एक काम कर, एक वचन दे मुझे कि तू सच बोलना, आज के कभी भी झूठ मत बोलना, इतना तू मुझे वचन दे दे। और उसने वचन दे दिया कि मैं सच बोलूंगा। और फिर राजा के वहां उसने सोचा कि मैं जाता हूँ चोरी करने, और वहां गया। द्वारपाल ने पूछा अरे भाई तू यहाँ पे क्यों आया है? उसने कहा कि मैं तो चोरी करने आया हूँ। सबने कहा अरे तू क्या मजाक कर रहा है, अंदर जा, तो सच बोल रहा था, जो मिले सच बोल रहा था। अरे भाई मैं चोरी करने आया हूँ, खुला बोल रहा था, लोगों को क्यों मजाक कर रहा है, कोई चोर आता है तो ऐसा थोड़ी बोलता है कि मैं चोरी करने आया हूँ। तो सारे लोगों ने जाने दिया, आराम से वो चोरी करके भी निकल रहा था। और उसने द्वारपाल ने पूछा क्या है कि मैं तो चोरी का सामान है, चोरी लेकर के जाना। उसको भी हंसने लग गया कि कुछ ये तो मजाक कर रहा होगा, आराम से निकल। लेकिन फिर देखो एक बार समर्पण हो जाता है ब्रह्म समर्पण और गुरु की कृपा हो जाती है ना, तो मन में परिवर्तन आ जाता है। फिर वो सारा सब कुछ गोसाई जी के चरणों में पड़ गया, सामान लौटा दिया कि अब मैं ये गलत काम नहीं। एक बार जब ब्रह्म सवन हो जाता है तो आज नहीं तो कल उसके अंदर में ज्ञान आ जाता है। गुरु की कृपा होती है ना, गुरु कृपा दृष्टि पड़ती है ना, तो मन में परिवर्तन आ जाता है, जीव सुधरना शुरू हो जाता है। जिस दिन अच्छे विचार आने शुरू हो जाए तब मानना कि गुरु की कृपा अब मेरे पास आ गई। जैसे डॉक्टर के पास आप जाते हो ना, दवाई देता है ना डॉक्टर, लेकिन कई लोगों को जल्दी असर नहीं होता है। लेकिन जब दवाई का असर होना शुरू हो जाए ना, तब आपको ये लगेगा हाँ ये डॉक्टर अच्छा है, असर हो रहा है। ऐसे ही क्यों हम श्रद्धा से जब दवाई लेते हैं ना, तब उसके ऊपर विश्वास करते हैं, तब वो असर करती है दवाई। तो वैसे ही जब गुरु के ऊपर में हम विश्वास करते हैं, श्रद्धा रखते हैं, तो उनकी कृपा की असर हम पर होने लगती है और जीवन में कल्याण दिखने लगता है। तो उसके जीवन में भी कल्याण हो गया, उसने सारे ऐसे दुष्कर्म छोड़ दिए। और यहाँ पर उसकी पत्नी खोजने निकली है कि भाई वो गया तो गया, क्या लकड़ियां लेने के लिए गया था, वापस लौट के आया नहीं, क्या कर रहा होगा। तो लौट के जाती है, चारों तरफ खोजते, देखा करे तो दरवाजे में चिपक गया, बचाओ बचाओ चिल्ला रहा है। उसने कहा कि भाई ये देवी का प्रकोप हुआ है, मुझे यहाँ पे ऐसा दंड दिया है, अब तुम ही देवी को विनती करो और मुझे बचाए। तो भी मैं तो द्वार लेने आया था और द्वार में चिपक गया। तो यहाँ पर बड़ी विनती करी, रोने लगे उसके पति के, छुड़ाओ मेरे पति को छुड़ाओ। तो उसने विनती करी तो देवी ने कहा कि मैं एक शर्त पे छोड़ूंगी इसको, कि एक काम कर, आज के बाद तेरे जो पड़ोसी है ना वैष्णव, तू उनकी सेवा करना, रोज लकड़ियां काट के आना
और उस वैष्णव पड़ोसी को देके जाना, तो ये वचन दे तो ही मैं तिरुपति को छोड़ू। उसने वचन दिया कि भाई नित्य में तो सारी लकड़ियां काट के आऊंगी, वैष्णव को दूंगी सामग्री सिद्ध करने के लिए, और ये सारे वचन दिए। तभी देवी ने उसके पति को छोड़ दिया और वो भी मन से श्री वल्लभ वल्लभ करती हो गई और वो भी भविष्य में सेवक हो गए। ये होता है वल्लभ नाम का, कि जो दूसरों के लिए मुश्किल काम होता है वैष्णव के लिए वो आसान काम हो जाता है। कलिकाल के अंदर कि जो लौकिक बुद्धि वाला होता है उस हर वस्तु में शंका, ये ऐसा क्यों होगा वैसा क्यों होगा, हर एक में एक शंका करता है, वो लौकिक जीव का स्वभाव होता है। लेकिन या तो शंका का नहीं या तो श्रद्धा का काम, लौकिक बुद्धि पहुंच नहीं पाती उस अलौकिक कृपा तक, क्योंकि लौकिक बुद्धि का भी एक सीमा होती है और भगवान की कृपा तो असीम होती है। तो श्रद्धावान जो व्यक्ति होता है वही भगवान की इस लीला को समझ पाता है। अन्य साधारण जीव को वो तो गणित करने में लग जाता है, कैसा कैसे हो सकता है, वैसा कैसे हो सकता है, अरे तो प्रभु है क्या नहीं कर सकते। तो कलिकाल के अंदर में श्री वल्लभ की कृपा के द्वारा ही हमें प्राप्ति होती है। दया निज महात्म्य करिशन प्रगटम हरि, वाण्या यदा तदा स्वाशम प्रादुर्भूतम चकार हे, प्रादुर्भूतम चकार हे। तो दया कर, दया निज महात्म्यम करिशन प्रगटम हरि, दया कर। देखो भगवान का स्वरूप समझाने का सामर्थ्य साधारण जीव में नहीं था, इसलिए भगवान स्वयं वल्लभ रूप में अवतरित हुए। कलिकाल के अंदर अवतार हुआ भगवान का वल्लभ रूप, क्योंकि प्रभु को दया हुई कि मेरी सेवा कौन सिखाएगा, कौन मेरा सब कुछ समझाएगा जीव, कौन इनका कल्याण करेगा, इसलिए स्वयं ही अवतार ले लिया। देखो एक बार बीरबल और अकबर में चर्चा होती है और अकबर पूछते हैं बीरबल से, भाई तुम्हारे हिंदुओं में तो इससे अनेक अवतार होते हैं, स्वयं भगवान अवतरित हो जाते हैं, हमारे में तो नहीं होते, हमारे में तो दूत आते हैं। तो बीरबल ने कहा कि मुझे कोई मौके की तलाश है, मौका आने दो मैं आपको पूरा समझाऊंगा कि क्यों अवतार करें। और एक बार नौका विहार में जा रहे थे अकबर बीरबल वगैरह, उनका परिवार भी था, उनका बेटा भी था, और बिल्कुल मध्य में आ गई नाव और एकदम से अकबर का बालक जल में गिर जाता है नदी, और अकबर एकदम छलांग लगा देते पानी में और बच्चे को बचा करके ले आते हैं और सबको डांटते करे तुम कैसी बाई हो, कैसे लोग हो, ध्यान नहीं रखते हो बच्चे। तब बीरबल उत्तर देता है उनके सवाल का, देखो कि आपने मुझसे सवाल किया था कि आपके भगवान क्यों होता, तो ये उसका जवाब है कि आपके पास में इतने नौकर चाकर सब कुछ थे, आप चाहते तो इनको आज्ञा कर सकते थे कि तुम जाओ और जाकर के बचाओ, पर आपने ऐसा इंतजार नहीं किया किसी को भेजने पे, आप खुद क्यों छलांग लगा करके कूद गए, क्योंकि आपका बालक था, आपको प्रेम था। ऐसे ही हमारे भगवान को इतना अपने भक्तों के लिए प्रेम होता है ना, अपना समझते कि मेरा बालक है, इसलिए भगवान स्वयं खुद अवतार ले लेते और अपने जीव को बचा लेते, इसलिए हमारे प्रभु बारंबार अवतार लेते कि उनको इतना प्रेम है, कभी खंभे को फाड़ के प्रकट हो जाते हैं, कभी वामन भगवान बन जाते हैं, कभी कुछ अवतार ले लेते हैं। तो यहाँ पर दया निज महात्म्यम करिशन प्रगटम हरि, दया करके स्वयं हरि ने यह अवतार धारण किया और वाणी के द्वारा जीव को कल्याण करना है। वाणिया यदा तदा स्वस्यम प्रादुर्भूतम चकार, ये वाणी का अवतार है, क्योंकि कृष्ण लीला में अनेक लीलाएं करी, पर यहां तो वाणी के द्वारा इस कलिकाल में जीव को बचाना है। वाक पते हैं श्री महाप्रभु और वल्लभ ने प्रकट होकर के सभी को सेवा प्रकार सिखाया, धर्म सिखाया, सही राह दिखाई, मार्ग दिखाया,
सेवा, सत्संग, सब कुछ श्री वल्लभ ने समझाया। वाक पते हैं, देखो एक बार महाप्रभु जी पधार रहे थे और पद्मनाभ दास जी कथा कर रहे थे और महाप्रभु जी ने जब उनसे कहा कि और आगे कुछ कहो तो और कुछ थोड़ा बहुत बोले, फिर चुप हो गए। महाप्रभु ने और आगे के लिए और आगे कुछ कहो, और आगे कुछ कहो, कृपानाथ हाथ जोड़ दिए कि जो सुख ने कही सो मैंने कही, मैं और कहां से कहूं, आप ही कृपा करके विराजमान हो और आप ही विश्राम करो। महाप्रभु विराजमान हो और महाप्रभु ने जो वर्णन करना शुरू कर दिया, एक घंटा, दो घंटा, तीन घंटा, चार घंटा, और वो झुकते गए, झुकते गए, साक्षात प्रणाम कर लिया। फिर महाप्रभु ने पूछा क्या बताओ क्या बात है, कहा कि मैं तो कृपानाथ अभी भी यही कह रहा हूँ, जो सुखने कही सो मैंने कही, पर भगवान स्वयं विराजमान होकर के अपने मुख से अपनी कथा कहने लग जाए तो मेरा जीव क्या करेगा। तो ये वाणी के नाम है, वाणी के द्वारा कल्याण करते वाक पते है। वल्लभ को तो बाल्यावस्था में ही बाल सरस्वती का खिताब दिया गया था, बड़े बड़े विद्वानों को, पंडितों को परास्त करना, ऐसा दिव्य स्वरूप से महाप्रभु जी। तो उस स्वरूप को जानने के लिए उनके अंदर में श्रद्धा हो तो इस वाणी के अवतार को वो जीव समझ पाएगा। ये कौन सा अवतार, साधारण जीव नहीं समझ पाएगा। तदुक्तम अपि दुर्बोधम सुबोधम तथा तथा तन्नामाष्टोत्तर प्रवक्षाम लांगर, कि जो साधारण जीव है ना वो नहीं समझ पाएंगे कि वल्लभ का स्वरूप क्या है। आप कितनी लाख कोशिश करोगे ना लेकिन वो नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि जब दो अवस्था होती है ना, बारिश की बूंदें गिरती हैं तो या तो पात्र उल्टा पड़ा हो या वो पात्र का ढक्कन बंद हो तो उसमें रस नहीं जाता। कि जो तदुक्तम अपि दुर्बोधम, जो कई ऐसे जो जीव होते हैं उसके लिए वो शास्त्रों का ज्ञान सरल हो जाए। जैसे गोपियां देखो ब्रज के उद्धव जैसे ज्ञानियों को भी परास्त कर दिया और उद्धव जी जैसे ज्ञानी भी कहने लगे वंदे नंद ब्रजस्त्री नाम तव पाद रेण, वंदन कर दिया। गोपियां कभी पढ़ने नहीं गई थी लेकिन वो तो अद्वैत में जी रही थी, ये ज्ञान थे, सारे शास्त्रों की जानकारी थी लेकिन वो कृष्ण को सखा रूप में देख रहे थे, भगवान के रूप में नहीं देख रहे थे। तो ऐसे जो प्रेमी जीव है उनको वो दुर्बोध भी सुबोध हो जाता है, जो बड़े बड़े विद्वानों को नहीं होता। कई बार शास्त्रों की जानकारी तो हो जाती है लेकिन भगवान के लिए जो प्रेम होना चाहिए वो नहीं हो तो उसे भी जो वो लाभ नहीं मिलता है जो साधारण भक्त को मिल जाता है। तो ये शास्त्र जो है सर्वोत्तम सूत्र, उसका ज्ञान हमें तभी मिलेगा श्री वल्लभ के स्वरूप का, ये जब हमारे अंदर उसका भाव हो तभी हम उस स्वरूप को समझ पाएंगे कि श्री वल्लभ का स्वरूप क्या है। ऋषि अग्रि कुमार नामना छंदो जगत के सो, देखो हर एक ग्रंथ शास्त्र जो होता है ना उसके एक देवता कि जैसे हम देखते हैं ना कि रामायण है, महाभारत है, कृष्ण लीला है, तो असुर जो थे उस समय उन सारे के अंदर में शक्तियां थी, बड़े बलवान थे। आप रावण को देखो, उसने भी बड़े मंत्र जाप करके सिद्धियां प्राप्त करी थी। इसे जो असुर थे उनके अंदर वो शक्तियां कहां से आई, क्योंकि उन्होंने मंत्र जाप किया। तो देवताएं वो व्यक्ति नहीं देखते, वो मंत्र देखते, क्योंकि वो मंत्र के अधीन है देवताएं। आप उस मंत्र का जाप करोगे तो देवता को प्रकट होना पड़ेगा और फल देना पड़ेगा, तो मंत्र के वश होते हैं देवता। और यहाँ जो है वो अलग बात है, ये कृपा। और यहाँ पे देखे देखो हर एक शास्त्र जो होता है ना उसका एक छंद होता है, उसको बोलने का छंद होता है। और इस शास्त्र का बोलने का छंद है अनुष्टुप छंद। तो अनुष्टुप छंद में बोला जाता है, आठ आठ अक्षर में बोला जाता है, यमनाष्टक पृथ्वी छंद में। तो उसके छंद होते हैं, उसके देवता होते हैं, उसका मंत्र होता है। तो यहां जो मंत्र है
उसके देव कौन, उसके ऋषि कौन? इस मंत्र के देव श्री महाप्रभु जी। तो इसको रचने वाले कौन? तो ऋषि अग्नि कुमार नामना चंदेव जगत के श्री कृष्ण स्वयं देवता के बीज कारो निको। तो श्री कृष्ण इनके देव हैं, श्री वल्लभ इनके देव हैं, और ऋषि इसको बनाने वाले ऋषि अग्नि कुमार। यहाँ पे ऋषि श्री गोसाई जी को कहा गया और 108 नाम। देखो आगे ये तो महात में ही चल रहा है, अभी तो नाम शुरू ही नहीं हुआ है महाप्रभु जी के, नाम तो अब शुरू होंगे। तो इसके ऋषि श्री गोसाई जी, देखो जैसे भागवत जी है तो भागवत जी के हम जानते हैं कि व्यास जी ने रचना करी है, ऐसे जो अलग अलग ग्रंथ होते हैं ना उसके अलग अलग ऋषि होते हैं। और किसके द्वारा रचना हुई, कैसे रचना हुई, किस काल में रचना हुई, किस छंद में रचना हुई, किस भाव से रचना हुई, सारा इसके ऊपर आधार होता है उस मंत्र का। तो इसके रचयिता भी कोई साधारण नहीं, साक्षात श्री विठल नाथ जी, वो भी भगवान का अवतार श्री गोसाई जी है, ऐसे ऋषि। तो अग्नि कुमार, अग्नि कुमार जिसे कुमारिका है, उन्होंने भी मंत्र जाप किया था, कात्यायनी का व्रत किया था। देखो इसमें कई गहराई भी है समझने वाली, कि ये जो ग्रंथ है ना वो कोई वेद में से नहीं है, कोई शास्त्र में से नहीं है, लेकिन इसकी रचना हुई है। ऐसे ही देखो कात्यायनी व्रत जब गोपियों ने करा ना, तो वो कोई वेद में से, कोई शास्त्र में से श्लोक नहीं लिया, लेकिन यमुना जी की कृपा से वो मंत्र मिला था और उसका जाप किया था। कात्यायनी महामाय महायोगी नदीश्वर, उस जो मंत्र का जाप किया तो वो यमुना जी की कृपा से मिला था, कई शास्त्रों में से नहीं लिया था। तो ये भी हमें मिला है भगवत प्राप्ति के लिए, वल्लभ प्राप्ति के लिए स्वतः प्रकट हुआ। कई ऐसे देखो गहराई में हिंदू धर्म में जो ऊपर से मिला हुआ होता है वेद शास्त्रों का, वो श्लोक अलग होते हैं, और भगवत कृपा से जो हमें मिलता है वो श्लोक वो शास्त्र अलग होते हैं। तो इस शास्त्र में भी ये कृपा है, और कृपा से जब ये प्रकट हुआ है इसलिए इसका विशेष महत्व है, वो जल्दी फल देने वाला। जैसे गोपियों ने वो मंत्र जाप किया, नंद गोपाल सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः, तो भगवत प्राप्ति भी हुई। भगवान ने प्रकट होके वचन दिया गोपियों को कि मैं तुम्हारे मनोरथ पूर्ण करूंगा, और शरद पूरम को वही वचन को याद करके वेणुनाद करा और गोपियों को बुलाया। तो यहाँ पे भी वही वाली बात है कि किसके द्वारा आपको मिला है, श्री गोसाई जी के द्वारा मिला। ये खजाना देने वाले श्री गोसाई जी, जब उनके द्वारा हमें कोई चीज मिलती है वो जल्दी फलीभूत होती है। अब जैसे हम कोई खुद चीज करते हैं और वल्लभ के द्वारा जब हम सेवा करते हैं ठाकुर जी जल्दी प्रसन्न होते हैं, इसलिए कहते हैं हर एक में वल्लभ की आड़ी देनी चाहिए, क्योंकि ठाकुर जी उनसे वश है। तो वैसे ही गोसाई जी के द्वारा ये जो मंत्र हमें मिले हैं तो जल्दी हम पर प्रभु की कृपा और श्री वल्लभ की कृपा कर रहे हैं। ऐसे कई प्रमाण भी हमारे पास मौजूद है कि जिन लोगों ने इसका जाप किया है उनके जीवन में परिवर्तन आया। इसलिए गोसाई जी की महत्वता है। और 108 नाम क्यों? अभी देखो जैसे आगे जाके अभी तो महात्म्य चल रहा है, जब श्लोक शुरू होंगे ना तो उनमें 108 में जो तीन नाम है ना वो मुख्य है, आनंदाय नमः, परमानंदाय नमः, श्री कृष्ण आस्याय नमः। वो तीन जो है वो बीज रूप है और एक एक में से 35-35 के सार निकले, और ये तीन ऐसे 108 तो वो मूल रूप है, आनंदाय नमः, परमानंदाय नमः, श्री कृष्णाय नमः। और एक और 8 का आंख पूर्णांक होता है, और श्री वल्लभ के भी द्वादश सांगो वही स्वरूप है, जैसे सिन्हा जी का है श्रीमद भागवत के द्वादश सांग है, वो सिन्हा जी का स्वरूप है, ऐसे द्वादश सांग श्री वल्लभ के
और एक एक अंग में नवधा भक्ति को समाया हुआ है, तो उसका टोटल भी 108 होता है। तो इसकी संख्या का भी महत्व होता है कि 108 ही क्यों करना, इसमें गहराई होती है। कई साधारण जीव उस ऊंची कक्षा तक नहीं पहुंच पाते, समझ नहीं पाते, लेकिन जो आज्ञा होती है उसका पालन करना चाहिए। कभी 108 जाप करना था, 108 जाप करना। कोई एक नाम में वल्लभ का आपने पकड़ लिया तो भी कल्याण हो जाएगा। एक एक नाम में इतना सामर्थ्य कि वो वृक्ष बन सकता है। जैसे एक छोटा सा बीज हम डालते हैं ना, तो उसमें से कितना बड़ा वट वृक्ष बन जाता है। तो ऐसे ही एक एक नाम जो है ना, बीज रूप है, हमारे अंदर श्रद्धा फलीभूत हो सकती है। तो यहाँ पर काफी गहराई है कि अनुष्टुप छंद से करना है, इसलिए गोसाई जी की जो जो आज्ञाएं हैं, क्योंकि उसका बंधारण होता है। ये बड़े विद्वानों की भाषा है, हर एक को ये सब कुछ चीजें समझ में भी नहीं आएंगी, क्योंकि मंत्र शास्त्रों का भी कुछ नियम होते हैं। हम जैसे कई बार उतावल में कई लोग सर्वोत्तम जी के 108 का वो निश्चय ले लेते हैं, लेकिन फिर वो बराबर नहीं कर पाते, कई बार अशुद्धियां हो जाती हैं, कई नाम गड़बड़ बोलने लगते हैं, बहुत जल्दी जल्दी बोलने में। तो ये बंधारण निश्चित किया गया कि इसका बंधारण क्या है, इसका छंद क्या है, इसकी संख्या क्या है, इसके ऋषि कौन, इसके देव कौन, श्री कृष्ण और श्री वल्लभ। तो ये काफी गहराई है एक एक श्लोकों के अंदर में, लेकिन हमें तो आगे बढ़ना है, वल्लभ के नामों तक पहुंचना है। लेकिन उस नामों तक पहुंचने के लिए फिर एक बात कही गई, विनियोगो भक्ति योगो प्रतिबंध विनाश। श्री कृष्ण ग्राम न संशय। तो कहा गया कि विनियोग और भक्ति योग में जो प्रतिबंध आता है उसके कारण जीव वो भगवत नाम से विमुख हो जाता है। कई बार देखा जाता है कि आप कुछ जप करने बैठे हो और किसी का फोन आ गया, कोई घर में मेहमान आ गया, कुछ सेवा करने बैठे, ऐसे खाली बैठे तो कोई नहीं आया, लेकिन सेवा करने बैठे नहीं कि किसी ने बुलाया नहीं। ऐसा होता है कि प्रतिबंध आता है। विनियोगो गोसाई जी वो बात को जानते हैं, इसलिए श्लोक लिखा है कि विनियोगो भक्ति योगो प्रतिबंध विनाश। कि ये पाठ करोगे, ये मंत्र का जाप करोगे, इस लाइन का भी अगर आपने जाप कर लिया तो लौकिक अलौकिक प्रतिबंध भी दूर हो जाएगा। विनियोगो भक्तियोगो प्रतिबंध विनाश। श्री कृष्ण अनामत स्वाद सिद्धि रत्र न संशय। तो विनियोगो भक्तियोगो प्रतिबंध विनाश। तो कई बार इसे आप सभी के जीवन में घटनाएं घटित तो हुई होंगी कि कभी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ अड़चन आई होगी, कुछ न कुछ प्रतिबंध आए होंगे, तो उसका ये मंत्र जो है वो आप जाप करोगे वो दूर हो जाएगा। एक बार तो एक वैष्णव ने मन में ठान लिया, एक वैष्णव बहन थे, कि भाई जब देखो जब माला जी लेकर के बैठते हैं कोई ना कोई बुला लेता है, घंटियां बज जाती है, कोई ना कोई, मैं तो अपना पूरा जाप करके वो उठूंगी, सारी सेवा करके उठूंगी। उसने निश्चित कर लिया कि भाई अब क्या बार बार कोई ना कोई ठाकुर जी के काम, भाई मन लग रहा था और किसी ने फिर भटका दिया। तो उसने निश्चित कर लिया कि आज तो मेरे चाहे जो मर्जी बुला लो, जितनी मर्जी घंटियां बजा लो, मेरे न फोन उठाना है न किसी से मिलना है, निश्चित कर लिया। उसने बैठ गई, सो बैठ गई ठाकुर जी और मैं, बस उसने आज निश्चित कर लिया आज बीच में कोई नहीं आएगा, कोई प्रतिबंध नहीं आना चाहिए, मैं और ठाकुर जी। तो बैठ गई सेवा। अब देखो कैसे प्रतिबंध आते हैं, बैठ गई और रसोई में कुकर की सीटी की आवाज आई, एकदम उसके नेत्र खुल गए। फिर भी उसने कहा कि मैंने तो नियम लिया आज, माला फिर चालू कर दी। फिर थोड़ी देर हुई, फिर दूसरी सीटी की आवाज आई, फिर नेत्र खुले, फिर वापस नहीं उठना नहीं है, माला नहीं छोड़नी है, माला जपना चालू कर दिया। थोड़ी देर तीसरी सिटी बजती है, फिर उसने धैर्य रखा कि भाई कैसे क्या करूं, वहां जाऊं या रुकूं, मैंने तो नियम लिया है आज उठना नहीं है।
चाहे कितनी सीटियां बज जाए, तुम बजा लो जितनी बजानी हो, हम भी माला फेर के रहेंगे। उसने निश्चित ठान लिया था। अब उसने माला छोड़ी नहीं है, माला फिरती जा रही फिरती जा रही। एक चौथी सिटी की भी आवाज, अब चलो उसने दृढ़ आश्रय के भी ठाकुर जी के चरणों में मैं बैठी हूँ और मेरा तो कुछ अहित होगा नहीं ऐसा मान लिया उसने। और माला फिर भी उस इंतजार में थी कि भी इतनी सिटियां बजे, अभी शायद पांचवी सिटी की भी आवाज आए, लेकिन आवाज नहीं आती। फिर उसने माला फिर सोचा कि और सिटी की आवाज आई, नहीं आई, कोई आवाज ही नहीं आई, बिल्कुल साइलेंट हो गया। सारा जाप क्रम पूरा कर लिया, इतने घंटे तक सेवा कर ली। फिर उसने सोचा चलो भाई जाकर के देखते हैं तो सही कि भाई इतने सिटियां बजने के बाद क्या हुआ हुआ हुआ। रसोई में जाती है, देखती है कुकर के पास बनती है, इतनी सुंदर सामग्री खोल के देखती है, अरे वाह क्या सामग्री सिद्ध हुई है। तो फिर ये गैस फटा क्यों नहीं, कुछ कोई दिक्कत क्यों नहीं आई। फिर देखती है कि ठाकुर जी की लीला क्या थी, गैस ही खत्म हो गया और सुंदर सामग्री सिद्ध होकर के पड़ी थी। हम दृढ़ विश्वास ठान लेते हैं कि भाई मेरे भगवत कार्य करना है तो आप सभी का कल्याण ठाकुर जी करने के लिए बंध जाते हैं। हम संशय करते हैं ना तो ठाकुर जी कहते हैं कि भाई तुम ही कर लो, पर दृढ़ विश्वास जो करता है कि भाई सत्य संकल्प विष्णु हो नान्य था तो कर ही सकते, कि हम कोई भी बड़ा कार्य उठा लेते हैं और दृढ़ विश्वास से आगे बढ़ते हैं, ठाकुर जी कार्य पूरा करवाते हैं। देखो यहाँ पे गीता बहन बैठे हुए, उन्होंने भी एक बड़ा सुंदर कार्य किया था अष्टोत्तर श्रीमद् भागवत सप्ताह का, सुंदर मनोरथ लेकर चले थे क्योंकि इतना बढ़िया भगीरथ कार्य था और दृढ़ विश्वास से किया और ऐसा कार्य किया कि ऐसी कथा आज तक दिल्ली में नहीं हुई, इतना सुंदर आयोजन। दृढ़ विश्वास का फल होता कि हमारे में जब दृढ़ विश्वास होता है तो ठाकुर जी वो कार्य सिद्ध करवा देते। यहाँ पर वही बताया कि विनियोग भक्ति प्रतिबंध बिना श्री कृष्ण अधरामृत स्वाद सिद्धि रत्न न संशय। बहुत सुंदर बात कर दी, श्री कृष्ण के अधरामृत की बात कर दी, बहुत गुड़ बात बता दी। किसी को लगे कि इसमें क्या बड़ी बात है, श्री कृष्ण अधरामृत स्वाद, पर इसी में तो पुष्टिमार्ग का सार छिपा है, सारी लीला इसमें छिपी हुई है, श्री कृष्ण अधरामृत। ये बहुत गहराई वाली बात है, सारा सार के दिया सर, शुरुआत करने से पहले ही सारा एक लाइन में सार के दिया। क्योंकि देखो शिनाय जी का भी जो स्वरूप से महाप्रभु जी ने वर्णन किया तो कहां से किया, अधरम मधुरम, अधर से स्वरूप कि जहां से अब उनका अधराम मिलता है वेणुनाद होता है। और यहां पे गोसाई जी भी प्रारंभ करने से पहले कृष्णाधरामृत स्वाद सिद्धि रत्न संशय, यानी कि बहुत गहराई में बात बता दी कि जब भगवान ने वेणुनाद किया तो भगवान के अधर में से रस द्रवीभूत हुआ और उसको जब स्वामी जी ने छीन लिया वही तो वल्लभ पुर, और वेणुनाद सुन के जो सृष्टि आई वो वैष्णवी सृष्टि, यानी कि वल्लभ का प्रागट्य का भी बता दिया, पुष्टि मार्ग के मूल का भी बता दिया, श्री कृष्ण अधरामृत स्वाद। जब सिन्हा जी से महाप्रभु जी मिलने के लिए बुला रहे थे, सदु पांडे ब्रजवासी के घर में विराजमान थे और सिन्हा जी को दूधर होगा के नरो आई हुई थी और नरो जब लेकर के आए अधरामृत, कहा कि मैं तो सिन्हा जी को अरोगा के आई हूँ। वल्लभ ने कहा करे श्री कृष्ण का कुछ अधरामृत बचा है, कहा हाँ जरा सा बचा है, तो वल्लभ ने कहा ला, और श्री महाप्रभु जी ने सिन्हा जी का अधरामृत का पान किया, श्री कृष्ण अधरामृत स्वाद से तीरत्र न सर। और उसके बाद फिर सिन्हा जी महाप्रभु जी का मिलन होता है। देखो पहले अधरामृत लिया, वहां भी पहले अधरामृत, अब जितनी गहराई में जाओगे ना वहां शुरुआत में आपको कृष्ण अधरामृत मिलता, इसके पीछे गहराई कि सिन्हा जी महाप्रभु जी के मिलन के पूर्व भी ये कृष्णाधरामृत का पान होता है और ये उसको पुष्टि सृष्टि का दान देने के लिए भी जरूरी है। देखो गोपियों को वेणुनाद के द्वारा
पान कराया। सखाओं को जब छाप लीला हुई तब अपना अदरामृत खिलवाया और अदरामृत का पान करवाया कि जिन नहीं पायो सुनो रे भैया मेरी हथेली चाट आज ददी मिठो मदन को, तो उनको अपना अदरामृत दिया, ग्वाल बालों को उनको भी प्राप्ति करवाई। अब यहाँ पर यशोदा जी नंदराय जी को कैसे मिले, तो जो अपने यहाँ पर सीना जी को ठोड़ी में हीरा धराया जाता है वहां पर जो ठाकुर जी बाल लीला करते हैं ठाकुर जी के अधर में से वो रस द्रवीभूत होता है और वहां पे यशोदा जी और नंदराय जी उनको चुम्बन करते और वहां से अदरामृत का पान करते, तो सभी को ये दान मिला और उनका भाव दृढ़ हुआ तभी भगवत प्राप्ति। तो गहराई में जितना जाए उतना कुछ मिलता जाएगा, इतना गहराई में जिन खो जातिन पाइया, जिन खो जातिन पाइया गहरे पानी समुद्र के अंदर में घुसते जाते खजाना मिलता है। तो ये भी ऐसा है श्री वल्लभ का स्वरूप, वो जब वेणुनाद किया तो भगवान के अंदर में से जो रस द्रवीभूत हुआ वो श्री वल्लभ का स्वरूप। और आपको पता होगा कि आप ब्रज में जाते हो श्री गिरिराज बाबा के दर्शन करते हो तो गिरिराज जी ने एक अपना स्वरूप गाय का क्यों लिया है, वो इसीलिए लिया कि जब ठाकुर जी के मुख में से अधर सुधा द्रवीभूत होती है ना तब गिरिराज जी को होता है रे इसका पान तो मैं भी कर लूं और वो गाय का स्वरूप लेकर के वो तृण चल लेते हैं और ठाकुर जी के कृष्ण अधरामृत का पान कर लेते हैं श्री गिरिराज बाबा को। तो सारे स्वरूप में ये आप देख सकते हो, यमुना जी में भी देख सकते हो, गिरिराज बाबा में देख सकते हो, वो काफी व्यापकता है। वो तो अभी ज्यादा जानना हो ना तो ब्रज में आ जाना, अभी 6 तारीख से हम लोग ब्रज यात्रा कर रहे हैं ना, वहाँ आपको सब बताएंगे श्री गिरिराज बाबा का स्वरूप क्या है, श्री यमुना जी का भी रसात्मक स्वरूप क्या है। भाई दूज के दिन से अपनी यात्रा प्रारंभ होने वाली है, शोभा यात्रा निकलेगी मथुरा बाजार से। देखो ठाकुर जी ने भी मथुरा की बाजार में विहार किया था, श्री वल्लभ ने भी मथुरा की बाजार में विहार किया था, और दूर दूर से देखो तो सही आप फिर लंदन से भी आए हैं शोभा यात्रा में जुड़ने के लिए, श्री यमुना जी का मनोरथ करने के लिए। तो हम आप लोग तो सब दिल्ली वाले हो और ब्रज से एकदम पास हो, तो आप लोगों को भी उस शोभा यात्रा में जुड़ना है, मथुरा की गलियों से निकलना है, श्री कृष्ण की धुन गानी है, वल्लभ की जय जयकार करनी है और यमुना जी का पान करना है। भाई दूज का दिन दूर दूर से हजारों लाखों लोग आते हैं यमुना जी का पान करने के लिए, बड़ा दिव्य स्वरूप होता है। और उसकी भी कई लंबी कथा भी है कि यमराज की याचना भी नहीं होती है, लेकिन हमारे वैष्णव तो यमुना पान दिव्य भाव से करते हैं क्योंकि हमारे वैष्णव को तो कोई चिंता ही नहीं है कि यमराज की याचना आई, क्योंकि ये तो यमो भी भगिनी सुतान है। हमारे वैष्णव को चिंता नहीं कि यमराज की याचना आएगी क्योंकि यमुना जी की कृपा है, पर जिसने अपराध किया उसको डर है। लेकिन अपन को भाई दूज के दिन जो विशेष कृपा होती है यमुना जी, यमुना पान का महात्म्य है तो वो करना है। यमुना जी का पान करेंगे हम, यमुना जी का चुंदड़ी मनोरथ भी करेंगे, यमुना जी का पूजन होगा, सुंदर ठाकुर जी को यमुना विहार होगा, नौका विहार होगा, सुंदर मनोरथ होगा, ऐसे यमुना जी की चुंदड़ी लहराएगी। देखो हमारे बेटे जी ने बड़ा सुंदर गाया हुआ है, उनकी सीढ़ी भी निकले हुई है, वही शब्द याद आ गए, आव्या श्री यमुना जी ना नौत रान मर जाओ छे ब्रज पर देश रे आज कोई रोको नहीं। आव्या श्री यमुना जी ना नौत रान मर जाओ छे ब्रज पर देश रे राज कोई रोको नहीं। यमुना किनारे उभी मरी बाटे रे आज कोई रोको नहीं। हेलो
हालो आ गया श्री यमुना जिला नौ तेरान मारे जाओ शिवरज पर Thank you.
तो व्रज के लिए भी सभी को मैं आमंत्रण देता हूं 6 नवंबर से, और हम लोग तो पहुंच जाएंगे दिवाली से, क्योंकि हमारे गुजरात में तो हमारे गुजराती गाते रहते हैं ना, गोकुल माँ आज दिवाली, हरे गोकुल माँ आज दिवाली, प्रगट थया वन माड़ी, प्रगट थया वन माड़ी, गोकुल माँ हरे गोकुल प्रगट थया वन माड़ी, प्रगट थया वन माड़ी, हरे घेर घेर दी गोपियो आवे, हरे घेर घेर दी गोपियो आवे, हर मन गमता साज सजाव, बलम जी न गुण गावे, ओ बलम जी न गुण गावे, गोकुल माँ हरे गोकुल माँ आज दिवाली, ओ गोकुल माँ आज दिवाली। तो हमारे गुजराती लोग गाते रहते हैं गोकुल माँ दिवाली, तो इस बार हम लोगों ने सोचा कि भाई गोकुल में ही दिवाली क्यों न मना ले, हमारे लालन कैसे मनाते होंगे, यमुना जी में दिए बदराते होंगे, तो कुछ हम भी दिए बदराए यमुना जी में, सुंदर आनंद करें। और गुजरातियों के नए वर्ष का भी प्रारंभ होने वाला है, एकम से श्री गिरिराज बाबा का अन्नकूट होगा, तो श्री गिरिराज जी का अन्नकूट कैसे होता है उसके भी दुर्लभ दर्शन हो जाएंगे, और उसके बाद में फिर भाई दूज का यात्रा प्रारंभ हो जाएगा। और एक और बधाई भी सबको देनी है, 11 तारीख अपने लिख लेना जिसको याद नहीं रहता हूं, हमारा प्रागट्योत्सव श्री गिरिराज बाबा की गोदी में गोविंद कुंड में, एक तरफ होंगे श्री वल्लभ, एक तरफ होंगे श्री गिरिराज बाबा, गो वल्लभ गोवर्धन वल्लभ, उनके मध्य में जहां दिव्य अलौकिक कुंड है गोविंद कुंड के समीप में सुंदर गोवर्धन पूजा होगी, नंद महोत्सव, मार्कंडे पूजा होगी, और गिरिराज बाबा का भव्य मनोरथ भी होगा। ये सारे लाभ आपको मिलने वाले हैं। जिसको कहा जाता है ना भाई दिवाली में हमको क्या मिलने वाला, क्या मिलने वाला है, यही मिलने वाला है, श्री गिरिराज जी का भव्य अन्नकूट होगा। ये हमारी तरफ से तोहफा है कि आप लोग आ जाना, नए साल का तोहफा कि सब साथ में होंगे, श्री गिरिराज बाबा साथ में होंगे, सब वल्लभ साथ में होंगे, सब कुछ मिल जाएगा आपको, सुंदर मनोरथ होगा और नित्य प्रति सुंदर आनंद होंगे। और उसके बाद ये सफर थमने वाला नहीं है, देखो ये सारे हमारा प्रागट्योत्सव का सफर है, 29 से चालू हुआ, ये हमारे तारीख से जन्मदिन था, तिथि से वहाँ गिरिराज जी में मनेगा, और अंत में ग्वालियर में 14 तारीख को शोभा यात्रा होगी, नंद महोत्सव होगा, और 15 तारीख को 56 भोग होगा, उसमें भी सभी वैष्णव को उन्होंने आमंत्रण दिया है कि आइए और लाभ लीजिए। तो इस सारी बधाइयों पे बधाइयां है, 1, 2 और 3 है, शुरुआत दिल्ली से हो रही है, फिर ब्रज में होगी, फिर ग्वालियर में, तो ये सबके लिए तैयार हो जाइए। जिन जिन लोगों को व्यवस्था करनी हो आने जाने की, तो हमारे गगन जी को बहुत अच्छी उसमें महारत है, वैसे भी बहुत ले लेके जाते हैं गिरिराज जी, कुछ ना कुछ बहाना ही चाहिए ब्रज में ले जाने का, तो निमित्त बनते हैं, इतनी सुंदर सेवा, सबको ब्रज में लेके जाना आना, ये भी तो एक सुंदर सेवा, यात्रा करवाने का फल। देखो आज श्रवण कुमार को कैसा यात्रा करवाने का फल मिला था, तो किसी को यात्रा के लिए लेके जाना भी बहुत बड़ा सत्कार होता है। तो इनको नाम लिखवा देना जिनको आना जाना हो, तो गगन जी को लिखवा देना, तो सुंदर व्यवस्था कर देंगे। तो अभी हम आज के विशेष दर्शन है रंग महल, देखो शीतकाल होता है ना तो मनोरथ होता है, ये मनोरथ भी यहाँ पे पहली बार हो रहा है गोपी होकर। रंग महल, रंग महल में पर गए पर्दा, धरी अंगिठी सुखदाई, तो जो कीर्तनों में गाया गया है कि रंग महल में पर गए पर्दा, तो अब ये पर्दा तो पड़े हैं, इनको अभी उठाने भी है तो दर्शन होंगे, तो हम तैयारी करते हैं पर्दों को उठाने की और दर्शन रंग महल के हम करेंगे। तो
तो आगे का सत्संग कल होगा, कल सब नियम से समय से आ जाएं। और जो 84 विष्णु की नामावली है और नाम रत्ना के अंक उन सभी को दिए जाएंगे, चित्र जी, माला जी, तो वो सभी इसमें जुड़ जाएं। तो सभी को जो जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो सभी जुड़ेंगे और सभी को लाभ मिलेगा। तो बस अब दर्शन खुलते हैं और सुंदर कीर्तन होते हैं। अभी ठाकुर जी के दर्शन करेंगे, आरती होगी, तत्पश्चात सभी वैष्णव का लेकर जाएंगे। प्रिया बजे रे यमुना के ती मुरलिया बजे रे यमुना के ती यमुना के तीर हो यमुना के ती यमुना के तीर हो यमुना के ती मुरलिया बजे रे यमुना के तीर हो यमुना के तीर मुरलिया बजरे यमुना के तीर मुरलिया बजरे यमुना के तीर कारो कन्हैया कन्हैया कारो कन्हैया कारी कवरिया कारो यमुना कोनी कारो यमुना कोनी मुरलिया बजरे यमुना के दी मुरलिया बजरे
करें और एक एक करके आप श्री के चरण स्पर्श करेंगे। श्री वैष्णव केवल महिलाएं बहुजी के और बेटी जी के चरण स्पर्श कर सकेंगी। स्थापित किए गए स्वरूप है। शिलालेख का भी मुहूर्त किया जाएगा, वहां पर उसका भी इनोग्रेशन होगा। आप श्री की अध्यक्षता में सारे कार्य होंगे। दोनों मंदिर आप श्री की अध्यक्षता के अंदर आगे बढ़ रहे हैं, तो इसलिए आप सबने बधारना है और संघ के वैष्णवों को भी लेकर आना है। श्री वल्लभ Thank you.
करती हूँ भाई, तेरे छोड़